हे वो सब गाइज आज हम ऊपस के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और मेन पिलर की ऊपस के अंदर विच इज़ कॉल्ड इनकेप्सुलेशन हमने अभी तक देखा इनहेरिटेंस ठीक है इनहेरिटेंस के अंदर हमने देखा कैसे क्लास के अंदर आप लोग इनहेरिट कर सकते हो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकते हो ऊपस के अंदर अभी हम कुछ और भी गलत पढ़ेंगे वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड इनकेप्सुलेशन जो आज हम देखेंगे इसके अलावा एब्सट्रक्शन एंड पॉलिम भी होता है ये सबके साथ सब बेसिकली आपके क्लास ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में होते हैं हमने देख लिया क्लास क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देखा कि कैसे क्लासेस के अंदर आप लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो एंड कैसे वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो राइट उसके बाद हमने देखा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आज हम जो पढ़ेंगे वो है डेटा हाइडिंग अराउंड ठीक है डेटा सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आज हम देखेंगे कैसे आप डेटा सिक्योर कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा हाइडिंग एंड इन ठीक है उसी के अराउंड हमारे ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं बेसिकली uh, ऊपस के अंदर यही कंसेप्ट है यार कि आप कैसे करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को टैकल कर पा रहे हो ठीक है तो रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास डेटा होता है रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है रियल वर्ल्ड के अंदर आपको डेटा भी हाइड करना होता है कि कुछ डेटा सिर्फ चाइल्ड देख पाए पेरेंट ना देख पाए कुछ डेटा सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड ही देख पाए बाहर की दुनिया ना देख पाए राइट इस टाइप की चीज़ें तो आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे पैकेजेस के बारे में पहले उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे उसके बाद इनकेसुलेशन पढ़ेंगे एंड देन डेटा हाइडिंग जो इनकाशन का एक छोटा सा पार्ट होता है वो भी हम पढ़ेंगे एंड देन आज एक नया की हम समझेंगे विच इज द स्टैटिक की स्टैटिक हमने देख लिया वैसे कई बार पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखते हुए लेकिन आज पढ़ेंगे स्टैटिक को यूज क्यों करते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं स्टैटिक को पढ़ने के स्टैटिक के अलावा अभी तक हम फाइनल uh, पढ़ चुके हैं दिस कीवर्ड पढ़ चुके हैं सुपर कीवर्ड भी पढ़ चुके हैं right? राइट तो आज एक और वह <laughs> की को टिक कर लेंगे विच इज़ द स्टैटिक की ठीक है तो बहुत ही ईजी रहने वाली ऐसी क्लास भी स्टार्ट uh, करेंगे जावा पैकेजेस के साथ तो सबसे पहले पैकेज अभी तक हम काफ़ी सारे बना चुके हैं ऑलरेडी अगर आप मुझे यहाँ पर देखोगे तो ये सोर्स पैकेज के अंदर मेरे पास ये इतने सारे पैकेजेस हैं राइट ऑल दीज आर फोल्डर्स तो पैकेजेस बेसिकली फ़ोल्डर्स होते हैं लेकिन फोल्डर्स से बढ़ के भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा करुआ, करवाते हैं ठीक है विच इज़ इनकेप्सुलेशन तो कैसे ये इनकेप्सुलेशन में हेल्प करते हैं पैकेजेस जरा वो समझेंगे और क्या फोल्डर से बढ़ के क्या और चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी समझेंगे ठीक है तो आप पैकेज इज सिंपली अ कंटेनर दैट ग्रुप्स रिलेटेड टाइप्स जावा क्लासेस जावा इंटरफेसेज इनोमेशन एंड अनोटेशन अगर आपको ये इंटरफेसिज इनोमेशन और अनोटेशन समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो बेसिकली समझ लो सेम टाइप का जो सेम uh, टाइप का जो भी कंटेंट है इज क्लास uh, होते हैं हमारे पास इंटरफेसिज भी होते हैं अभी हम पढ़ेंगे एब्सट्रैक्शन के अंदर इंटरफेसेज होते हैं इसके अलावा इनोम्रेशन और एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है एनोटेशन तो बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं होते हैं लेकिन वो इनमेशन भी बहुत ज़्यादा काम के नहीं है अगर हम डी एस ए की बात करें सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर थोड़े बहुत यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन ये सब चीज़ें बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने काम में आती है राइट रिलेटेड टाइप के डेटा को एक फोल्डर में आप डालते हो कई बार आपने देखा होगा आप अपने काम कर रहे हो तो आप चाहते हो कि चीज़ों को सही से ग्रुप करना आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं सपोज़ करो तो आप अपनी सारी वीडियोज़ को अलग अलग फोल्डर्स में डालना चाहोगे राइट कुछ मूवीज़ हैं कुछ टी वी शोज़ हैं आप ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे उनको आप अलग अलग फोल्डर्स में डालोगे तो सेम टाइप के डेटा को आप अलग अलग फोल्डर्स में डाल रहे हो और वो फोल्डर्स हमारे यहाँ पर पैकेजेस होते हैं ठीक है टू डिफाइन अ पैकेज इन जावा यू यूज़ द कीवर्ड पैकेज तो की वर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है एक पैकेज नाम का टू डिफ़ाइन अ पैकेज इन जावा तो बेसिकली जब भी आप किसी क्लास को बोल रहे हो कि ये इस पैकेज के अंदर है तो आपको उस क्लास के अंदर पैकेज की वर्ड की अवसर से बताना पड़ेगा कि आई एम गोइंग इनसाइड दिस पैकेज सीधा सिर्फ आ, फोल्डर के अंदर कोई फाइल डाल देने से वो पैकेज के अंदर उसी टाइम कंसिडर नहीं हो जाएगी आपको उस फाइल के अंदर बताना पड़ेगा कि ये किस पैकेज के अंदर है ठीक है Java uses the file system directories to store packages. तो so Java अपने आप ही automatically uh, file system directories को use करता है to define packages. तो so, आप com pack जैसे यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो रहा है com नाम का folder है उसके अंदर, अंदर एक test नाम का folder है उसके अंदर एक test dot java फाइल बनाई है आपने ठीक है तो so, अगर आपको इन दोनों को packages बनाने है com और test को package बनाना है तो what you have to do is इस तरीके से लिख दो package com dot test तो so, यहाँ पर भी आप क्लास टेस्ट डिफाइन कर रहे हो ये आपकी फाइल है दिस फाइल इज टेस्ट डॉट जावा राइट ये फाइल हमारी टेस्ट और जावा फाइल है तो ये जो फाइल है इसके अंदर सबसे पहली लाइन जो है वो आपने लिखी है इस तरीके से पैकेज उसका से पैकेज का पूरा का पूरा पाथ तो आप एकदम ऊपर से स्टार्ट करते हो कॉम डॉट टेस्ट और उसके बाद उस पैकेज के अंदर आपने ये फाइल डिफाइन कर दी तो ये था सिंपल अभी तक बस डिफाइन करने वाला पार्ट कि पैकेज आप कैसे कर डिफाइन करते हो जैसे अभी तक हम देखते हैं ऑलरेडी ये इतनी सारी चीज़ें बना रखी है मैंने राइट जैसे आज हम इस वाले पैकेज में काम करने वाले हैं पैकेजेस एंड इनकप्सुलेशन लेकिन अगर आप किसी और के अंदर देखो फॉर एग्जाम्पल ऊप् टू में जाओ आप तो ऊपस टू के अंदर आप देखोगे मैंने यहाँ पे कार्ड और जावा बना रखा है राइट और इसके अंदर अगर हम जाएँ तो आप देखोगे ये मेरी पब्लिक क्लास कार है और ये इस पैकेज के अंदर ऑलरेडी है पैकेज ऊपस टू राइट तो अभी तक हमने पैकेज पढ़ा नहीं था लेकिन यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं पैकेज को और ये जितने भी मैंने पैकेजेस बना रखे हैं उन सभी के अंदर कुछ कुछ क्लासेज हैं उनमें ऑलरेडी ये पैकेज वाली लाइन लिखी जा चुकी है तो आज थोड़ी सी और क्लियर होगी ये पैकेज वाली लाइन क्यों लिखते हैं बेसिकली आप बता रहे हो कि ये जो क्लास है ये इस वाले पैकेज के अंदर है जावा को आप पूरा का पूरा पाथ बता रहे हो अपने फाइल का ठीक है सो so, अगर आप कभी भी जावा के अंदर किसी फाइल को रन करोगे तो उसको पता रहे कि मुझे किस पैकेज के अंदर घुसना है इस फाइल को रन करने के लिए तो इसी लिए आप पूरा पूरा पैकेज डिफाइन करते हो लेकिन पैकेज के कुछ और भी फायदे होते हैं जो अभी हम देखेंगे तो अभी हम जाते हैं इसके अंदर आई थिंक आई शुड रिनेम दिस और मैं इसका नाम रख दूँगा ऊप् थ्री तो इसका हो जाएगा नाम ऊप्स थ्री और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा एक नया पैकेज बनाता हूँ ठीक है तो टू क्रिएट अ पैकेज बस यहाँ पर राइट right क्लिक किया और पैकेज क्लिक किया अब आप यहाँ पर देखो ये लिखा आ रहा है ऊपस थ्री डॉट राइट तो ये कह रहा है मुझे ऊपस थ्री के अंदर आप कोई पैकेज बनाना चाहते हो क्या तो मैं इसके अंदर पैकेज बनाता हूँ लर्न पैकेज तो इस टाइप से मैंने एक पैकेज बना लिया अब लर्न पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर मैं लर्न पैकेज के अराउंड जो भी चीज़ें होंगी वो सब स्टोर करूंगा तो बेसिकली पैकेज का नाम भी आपको इस तरीके से रखना होता है कि आप बताते हो इस पैकेज के अंदर इस टाइप की चीज़ें जाएंगी ये डी के अंदर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज डी के अंदर आपकी नॉर्मल एक फाइल होती है उसी के अंदर आप काम कर रहे होते हो तो लेकिन जावा डी के अलावा डेवलपमेंट में भी हैवी नहीं यूज होता राइट right? तो जैसे आप कभी कोई सर्वर बना रहे हो तो उस सर्वर के अंदर आपके पास कंट्रोलर्स होते हैं आपके पास मॉडल्स uh, होते हैं आपके पास सर्विसेज होती हैं तो आप कंट्रोलर्स को एक फोल्डर में डालते हो मॉडल्स को एक फोल्डर में डालते हो सर्विसेज को एक फोल्डर में डालते हो तो आपके अगर रहे हो बेसिकली आप सेम टाइप के कंटेंट को एक फोल्डर में डाल के उसको पैकेज के अंदर डाल के बता रहे हो कि ठीक है इस टाइप का डेटा सिर्फ यहाँ पड़ा होगा इस टाइप का डेटा यहाँ पड़ा होगा तो वहाँ पर भी आप पैकेजेस डिफाइन कर रहे होते हो राइट वहाँ पर वो ज़्यादा सेंस बनाते हैं बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी फाइल बन जाती है आपकी एक प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर तो क्या है आपको इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन पूछा तो आपकी बस एक फाइल बनती है उसके लिए राइट तो यहाँ इतना ध्यान नहीं देते हम लेकिन आपको पता रहनी चाहिए ये चीज़ है अब जैसे मैं इसके अंदर एक क्लास बनाऊँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ से मेन क्लास तो यहाँ पर आप ऊपर देखोगे ये क्या लिखा हुआ है पैकेज उसके बाद ऊप थ्री डॉट लर्न पैकेज ये इंटेलिजेंट ने अपने आप लिख दिया हमारे लिए लेकिन आपको ये खुद देखना पड़ेगा अगर आप नोट पैड वगैरह के अंदर या फिर एकदम स्क्रैच से बना रहे हो तो राइट कोई फाइल वैसे तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एकदम ही नोट पैड के अंदर आप लोग करने कर, करने बैठे हो काम ऐसा कुछ ना कुछ टूल आई वगैरह होनी चाहिए जिसके अंदर ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट अपने आप हो ही जाए करें राइट अब इसके अंदर बनाएंगे पब्लिक स्टडी मेन और अब आपने देखा इस पैकेज के अंदर ये हमारी पब्लिक स्टडी अपार्टमेंट फाइल बन चुकी है अब हम इसी पैकेज के अंदर चाहे तो, हाँ तो, तो एक और क्लास बना सकते हैं लेट्स क्रिएट अनदर क्लास और मैं यहाँ पर बनाऊँगा लेट्स से क्लास पर्सन बना लिया हमने ठीक है तो ये मेरी क्लास पर्सन है और ये भी मेरे लर्न पैकेज वाले के अंदर ही है आप देख रहे हो ऊपस थ्री डॉट लर्न पैकेज के अंदर इसके अलावा मैं चाहूँ तो एक और क्लास बना सकता हूँ इसके अंदर लेट्स क्रिएट अनदर क्लास इसका नाम रख देते हैं लेट्स ए टीचर तो मैंने एक और क्लास बना दी टीचर नाम से तो ये सारी सारी जो क्लासेज मैं बना रहा हूँ ये अभी फिलहाल आप देख रहे हैं पर्सन टीचर मेन क्लास ये सब के सब हमारे ऊपस थ्री डॉट लर्न पैकेज वाले पैकेज के अंदर ये तो इस तरीके से आप पैकेज बनाते हो इस तरीके से आप पैकेज को लिख रहे होते हो तो टू डिफाइन अ पैकेज हमने ये देख लिया पैकेज की वर्ड इसके बाद आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टिंग अ पैकेज तो पैकेज का फायदा क्या हुआ पैकेज का फ़ायदा ये है कि आपने कोई चीज़ बना ली है और आपने एक बार वो चीज़ बना ली अब आपको किसी और जगह वो यूज़ करनी है किसी पैकेज में आपने कोई काम कर दिया अब वो काम आपको किसी और पैकेज में यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए आपको उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा राइट पैकेज को इम्पोर्ट करके लाना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंट्री के अंदर तेल ज़्यादा नहीं है आपकी कंट्री में सपोज करो पानी ज़्यादा है लेकिन किसी और कंट्री में तेल ज़्यादा है तो अगर उस कंट्री को पानी चाहिए तो वो आपसे इम्पोर्ट करा रहा होगा ठीक है आपसे बोल रहा होगा कि इंडिया से पानी इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है या फिर वो उसके पास अगर उसके पास तेल है उसको एक्सपोर्ट करना है तो तेल को एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्री के अंदर तो आ, उसकी कंट्री के अंदर पानी नहीं है लेकिन वो पानी को ऐसे इंपोर्ट करा लेते हैं अपने पास क्योंकि उसे यूज़ करना है पानी को राइट अपनी कंट्री में बांटना है पानी अपनी क्लास के अंदर वो पानी बांटना है तो वहाँ पर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग चलती है तो सेम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि आपने एक क्लास के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी है कुछ बिहेवियर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दें हैं अब आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टीज़ वो बिहेवियर्स दूसरी क्लासेज थी। यूज़ कर सकें ठीक है दूसरे लोग बाहर के लोग यूज़ कर सकें तो वो सीधा ऐसे यूज़ नहीं करेंगे उनको पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इम्पोर्ट कराने के लिए आपको एक इम्पोर्ट की यूज़ करना पड़ता है जावा के अंदर तो जावा हैज़ एन इम्पोर्ट स्टेटमेंट दैट अलाउज यू टू इम्पोर्ट एन एंटायर पैकेज और यूज़ ओनली सर्टन क्लासेज एंड इंटरफेस डिफाइंड इन पैकेज आप जैसे वो ऑयल का एग्जाम्पल लेता ऑयल के साथ साथ आप ऑयल के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं सब उसको जैसे पेट्रोलियम हो गया या फिर और भी मल्टीपल चीज़ें हो गई डीजल हो गया ठीक है और साथ में इससे नेचुरल गैस हो गई तो uh, इसमें से क्या क्या चाहिए हमें क्या हमें सारा का सारा पेट्रोलियम चाहिए पूरा पूरा ऑयल चाहिए तो अगर सारा का सारा चाहिए तो आप पूरा का पूरा पैकेज इम्पोर्ट करा लो लेकिन क्या आपको सिर्फ पेट्रोल पेट्रोल चाहिए तो अगर सिर्फ पेट्रोल चाहिए तो सिर्फ आप चाहो तो पेट्रोल पेट्रोल इसके अंदर से इंपोर्ट करा सकते हो या फिर सिर्फ सिर्फ डीज़ल इम्पोर्ट करा सकते हो राइट तो चाहो तो आप पूरा का पूरा पैकेज करा लो या फिर इस पैकेज के अंदर के छोटे छोटे जो कॉम्पोनेट हैं उनको भी करा सकते हो इम्पोर्ट आपकी मर्जी है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से काम है अगर आपको तीनों ही चीज़ों से काम है तो आप पूरा का पूरा पैकेज ही इम्पोर्ट करा लो क्योंकि उसके अंदर अपने आप ही वो तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपको दिख रहा है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से काम है तो आप वो एक ही चीज़ इम्पोर्ट कराओगे ठीक है तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि आप चाहो तो पूरा का पूरा पैकेज इंपोर्ट करा लो फॉर एग्जाम्पल अगर जावा डॉट आयो पैकेज मुझे पूरा का पूरा, पूरा इंपोर्ट कराना है जैसे यहाँ पर देखो ये पैकेज है जावा डॉट आयो अब इस आयो पैकेज के अंदर हो सकता है मल्टीपल क्लासेज हो राइट अगर एक पैकेज के अंदर की सारी सारी क्लासेज मुझे एक्सेस करनी है तो मैं उस आगे इस तरीके से स्टार लगा दूंगा ये स्टार स्टार बेसिकली वाइल्ड कार्ड होता है और ये सारा का सारा कंटेंट जावा डॉट आयो के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा सारा कंटेंट आपकी क्लास के अंदर लेके आ जाएगा ठीक है आ, वहीं पे अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ इंपोर्ट करानी है फॉर एग्जांपल जावा डॉट यूटिल के अंदर से अगर आपको सिर्फ डेट क्लास इंपोर्ट करानी है जैसे डेट क्लास होती है जिससे कि आप लोग डेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो जावा के अंदर तो आप जावा डॉट यूटिल डॉट डेट लिखोगे तो यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट्स ओनली डेट क्लास तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो सिर्फ डेट क्लास इम्पोर्ट होगी आ, इसको जरा से मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एक्जाम्पल ये मेरी क्लास है राइट और मुझे लेट्स से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे पता है स्कैनर क्लास मेरे पास तो है नहीं स्कैनर एस इक्व टू न्यू स्कैनर राइट स्कैनर सिस्टम डॉट इन अब ये स्कैनर मेरे पास तो है नहीं तो मुझे स्कैनर को इंपोर्ट करा के लाना पड़ेगा इस क्लास के अंदर मेन क्लास के अंदर स्कैनर नहीं है तो ये इसको यूज़ करना है तो कहाँ से कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो इसे पता होना चाहिए किस पैकेज के अंदर ये स्कैनर क्लास है कि किस पैकेज की स्कैनर क्लास मुझे लेके आनी है अच्छा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये स्कैनर क्लास मल्टीपल पैकेजेस के अंदर हो अलग अलग पैकेज़ेस ने स्कैनर क्लास बना रखी हो सकती है ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पैकेजेस के अंदर अलग अलग स्कैनर क्लास हो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है आपको पता रहना चाहिए कि मुझे किस पैकेज की स्कैनर क्लास उठा के लानी है राइट आप पेट्रोलियम हो सकता है मल्टीपल कंपनीज uh, वहाँ पर बेच रही हूँ ठीक है एक कंट्री के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस कंपनी का पेट्रोलियम उठा के लाना है ठीक है तो मुझे उसका पूरा पूरा एड्रेस पता होना चाहिए तो मैं वहाँ से इम्पोर्ट करा लूँगा फिर राइट तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर आपको ऐसे स्कैनर को इम्पोर्ट कराना है तो आपको पता रहना चाहिए कि स्कैनर कहाँ से मिलेगा और मुझे पता है कि स्कैनर मुझे मिलेगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर इस तरीके से तो देखो नीचे से वो एरर चला गया ठीक है तो मुझे सिर्फ स्कैनर क्लास करानी थी तो इसलिए मैंने लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर अगर मुझे जावा डॉट यूटिल के अंदर से कुछ और भी चीज़ करानी है जैसे कि मुझे पता है जावा डॉट यूटिल के अंदर एरे लिस्ट भी होती है लिस्ट भी होती है तो अगर मुझे वो भी करानी है तो मैं यहाँ पे स्टार लगा सकता हूँ इस तरीके से तो अभी भी नीचे कुछ एरर नहीं आएगा क्योंकि स्कैनर तो इंपोर्ट हो ही गया लेकिन इसके अलावा अगर आपको कभी लिस्ट भी बनानी है लिस्ट ऑफ़ इंटीजर अब ये लिस्ट कैसे बन गई हुई है यहाँ पर लिस्ट तो आपने पढ़ाई ही नहीं है तो मैं बोलूँगा लिस्ट पढ़ा दूँगा मैं आपको टेंशन मत लूँ लिस्ट वग़ैरह हम इसके बाद ऊपस के जस्ट बाद कलेक्शन फ्रीम मूव करेंगे वहाँ पर हम ये सब पढ़ रहे होंगे लेकिन ये लिस्ट जो होती है और ये जो एरे लिस्ट क्लास है ये दोनों की दोनों क्लासेस कहाँ से आई ये दो दोनों के दोनों क्लासेस भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है जावड ऑफ के अंदर ही तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावड ड्यूटिल डॉट स्कैनर तो ऊपर वाली लाइन तो कोई एरर नहीं देगी मुझे लेकिन देखो नीचे वाली लाइन ने एरर दे दिया बिकॉज लिस्ट और एयर लिस्ट तो मिले नहीं तो आप चाहो इनको इंडिविजुअल भी इम्पोर्ट करा सकते हो इम्पोर्ट कराने के लिए एक और चीज़ है ऑप्शन एंटर या फिर ऑल्ट एंटर करोगे तो उससे भी इम्पोर्ट अपने आप हो जाता है इसके अंदर देखो अपने आप ही एयर लिस्ट इम्पोर्ट हो गया उसके बाद लिस्ट पर जाओगे लिस्ट के ऊपर जाके यहाँ पर आपने अपना माउस रखा उसके बाद ऑप्शन एंटर या फिर ऑल्ट एंटर उसके बाद इम्पोर्ट क्लास तो यहाँ पर देखो आपने तीन लाइनों में इम्पोर्ट किया इस तरीके से तो आपको ये तीन चीज़ें चाहिए थी क्योंकि यूटिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो अगर आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए तो आप ऐसे तीन लाइनों में इम्पोर्ट करा सकते हो अगर आपको सारा सारा चाहिए तो एक लाइन में भी आप पूरा का पूरा इम्पोर्ट करा सकते हो आपको पता है कैसे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार तो इससे वो साइफेयर एरर चले गए और आप तीन लाइन के अंदर ये एक लाइन का काम कर पाए आप बोलोग भैया दोनों में डिफरेंस क्या मैं बोलूँगा दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है आप ऐसे भी इम्पोर्ट करा सकते हो ऐसे भी इम्पोर्ट करा सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है डी की जहाँ तक बात है तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है इन जावा द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज़ रिटर्न डायरेक्टली आफ्टर द पैकेज स्टेटमेंट एंड बिफोर द क्लास डेफिनेशन तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है ये आप पैकेज के बाद और क्लास के पहले लिखोगे ठीक है तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट हमेशा पैकेज के बाद और क्लास के बीच में आनी चाहिए तो किसी ना किसी क्लास के अंदर ही आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखोगे जैसे यहाँ पर ये क्लास है हमारी मेन क्लास राइट तो पब्लिक क्लास मेन क्लास से पहले और पैकेज के डिक्लेरेशन के बाद आप यहाँ पर बीच में इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगा सकते हो जितनी मर्जी तो यहाँ पर आप जितनी मर्जी चीज़ें इम्पोर्ट कर सकते हो और उनको आप फर्दर फिर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इस क्लास के अंदर ठीक है ये तो सिंपल था तो इस तरीके से आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो इम्पोर्ट का फ़ायदा समझ में आ गया होगा कि हर क्लास के पास अपना अपना कुछ कुछ डेटा है हर क्लास के पास हर पैकेज के पास अपना अपना कुछ कुछ डेटा है और रिलेटेड डेटा सबने अपने पास रखा हुआ राइट एक कंट्री ने अपना खुद का डेटा रखा हुआ है दूसरी कंट्री ने अपना डेटा रखा हुआ है लेकिन अभी कभी किसी को किसी दूसरे कंट्री के डेटा की रिक्वायरमेंट अगर हो जाती है तो वो स्टिल ये चीजें कर सकते हैं बस उनको इम्पोर्ट कर लेना है वो चीज़ ठीक है इंपोर्ट कर लो बस तो अभी तक हमने जितना भी इम्पोर्ट देखा वो था स्कैनर के अंदर लिस्ट वगैरह के अंदर तो ये सब तो प्री डिफाइंड क्लासेज हैं जावा ने जो हमें दे रखी हैं लेकिन आप चाहो तो अपनी खुद की भी क्लासेस बना सकते हो और उसके अंदर से भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पर्सन क्लास बनाई है राइट और इस क्लास के अंदर लेट सपोज मेरे पास एक एज है एंड एज हर पर्सन की कुछ एज हो सकती है और लेट्स से स्ट्रिंग नेम हर पर्सन का कुछ नेम भी हो सकता है राइट अब इस पर्सन क्लास के अंदर से मुझे एज को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ तो बेसिकली uh, उस जगह पे काम में आते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं कि ये क्लास किन किन चीज़ों को पब्लिक कर रही है किन किन चीज़ों को प्राइवेट रख रही है किन किन चीज़ों को छुपा रही है ठीक है अब हो सकता है ना कि किसी कंट्री ने लगा दिया सेंक्शन कि नहीं भाई हम तो अपने राइस को कहीं पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे राइस जो है वो हमारे पास ही रहेंगे तो उसने राइस के ऊपर प्राइवेट कर दिया कि ये राइस हमारी कंट्री में रहेगा कहीं और नहीं जा सकता तो कोई कंट्री अगर इम्पोर्ट लगा भी दे ठीक है कोई कंट्री अगर इम्पोर्ट जैसे अभी कोई और क्लास अगर इम्पोर्ट करने का ट्राई करेगा भी लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट फील्ड है किसी और कंट्री के अंदर तो वो उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकता राइट अगर इंडिया ने बोल दिया कि ठीक है हमारे चावल कहीं और नहीं जाएंगे तो उसने बेसिकली बोल दिया प्राइवेट ये हमारे हैं और हमने इनको प्राइवेट कर दिया है अपनी कंट्री के लिए ठीक है हमारी कंट्री के लोग यूज़ कर सकते हैं इसको आ, लेकिन बाहर हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हो रिस्ट्रिक्ट करना इस तरीके से चीज़ों को तो आप वहाँ पर उनको उनके पास एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली एक्सेस को मॉडिफ़ाई करने का काम में आते हैं कि, कि किसी चीज़ की आप एक्सेस कैसे देना चाहते हो क्या उसको आप पब्लिक करना चाहते हो क्या उसको प्राइवेट करना चाहते हो और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं वो हम समझते हैं ज़रा ठीक है तो वहाँ पे हमारे काम में आते हैं एक्सेस मॉडिफायर और जरा आप उनको समझते हैं एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत क्या है तो बेसिकली आप अपनी खुद की क्लासेस की चीज़ों को पब्लिक प्राइवेट रखना चाहते हो सो दैट आप अपनी क्लासेस की चीज़ों को दूसरों को दे सको दूसरी क्लासेस को दे सको अभी तक हमने जो देखा था विच इज़ स्कैनर क्लास या एरेलिस्ट क्लास इन्होंने पब्लिक रखा हुआ है सब कुछ ठीक है इन्होंने बोल रखा कि हम तो भाई पूरी दुनिया के लिए हमने पब्लिक छोड़ा हुआ है कोई भी क्लास हमें यूज़ कर सकती है ठीक है कोई भी क्लास आएगी हमें आराम से इंपोर्ट कर सकती है लेकिन कई बार आप अपने कोड में चाहते हो कि कुछ चीज़ों को हम प्राइवेट रखें अपनी क्लास तक या फिर अपने पैकेज तक तो वो चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ठीक है तो ज़रा एक एक करके समझते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन जावा एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज टू सेट द एक्सेसिबिलिटी या फिर विजिबिलिटी ऑफ क्लास इंटरफेस वेरिएबल मैथड कंस्ट्रक्टर डेटा मेम्बर्स एंड सेटर मैथड्स तो बेसिकली क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ठीक है आ, क्लास तो होती हैं लेकिन इसके अलावा इंटरफेसिस भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में वेरिएबल मैथड कंस्ट्रक्टर ये सब हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी तो वेरिएबल मैथड कंस्ट्रक्टर और बाकी जो डेटा मेम्बर्स होते हैं उनके अंदर आप चाहो तो उनको पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप उनकी एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हो दूसरी क्लासेस के लिए अब यहाँ पर किस किस तरीके से हम कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर देखो पब्लिक लिखा हुआ है पब्लिक लिखा हुआ है क्लास एनिमल के अंदर मैथड वन के अंदर तो इसका मतलब क्लास एनिमल बोल रही है कि जो मैथड वन है ये पब्लिक है तो अगर कोई और क्लास से भी एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसके अंदर वो मैथड वन कॉल कर सकता है बिकॉज मैथड वन इज़ पब्लिक ये हमने बोल रखा है कि इसको हमने एक्सपोर्ट कर रखा है कोई भी इसको इम्पोर्ट कर सकता है ठीक है तो मैथड वन इज़ पब्लिक वहीं पे हमने मैथड टू को प्राइवेट बना रखा है यहाँ पर देखो इसका मतलब अगर कोई और क्लास के अंदर आप एनिमल ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप मैथड टू कॉल करने का ट्राई करते हो तो आप उसको नहीं कॉल कर पाओगे बिकॉज ये हमने प्राइवेट बोला हुआ है ये हमने बोला हुआ है कि कोई और क्लास तो यूज़ ही नहीं कर सकते सिर्फ हमारी क्लास ही यूज़ कर सकते इसे ठीक है तो धीरे धीरे समझेंगे इसको हाँ कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं हमारे पास तो टोटल चार टाइप के होते हैं एक होता है डिफ़ॉल्ट एक होता है प्राइवेट एक होता प्रोटेक्टेड और एक होता पब्लिक तो पब्लिक के अंदर तो आपको दिख रहा होगा तो एक बार जरा क्लास वगैरह समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सपोज़ करो ये आप हो ठीक है और सपोज करो ये आपके पापा हैं ठीक है तो ये आप हो सन और ये फादर ठीक है सन और फादर तो बेसिकली फादर से सन ने कुछ कुछ चीज़ें एक्सटेंड uh, करके ठीक है तो सन इज़ एक्सटेंडिंग टू फादर बिकॉज इनहेरिटेंस चल रही है यहाँ पर तो पूरी की पूरी इज़ ए रिलेशनशिप है तो यहाँ पर इनहेरिटेंस चल रही है और uh, अब आपका सपोज करो एक चाचा का लड़का भी है तो दिस इज़ योर अंकल ठीक है और ये आपका कज़न है ये अंकल है यहाँ पर कज़न है और ये चाचा का लड़का है और ये चाचा जी हैं और इनके अंदर भी ये वाला रिलेशन चल रहा है राइट बिकॉज़ इसके तो पापा ये हैं और आप सारे के सारे एक घर में रहते हो इस तरीके से ठीक है सिंपल था अभी तक ये सारे आप एक घर में रह रहे हो तो यहाँ पर अब आप समझ पाओगे चीज़ों को एक्सेस पॉडी को अब यहाँ पर समझो कि सपोज करो ये जो घर है ये घर आपका एक पैकेज है और ये जो मैंने डब्बे बना रखे हैं अंदर ये सब के सब क्लास है और यहाँ पर जो चल रहा है सन टू फादर और ये सन टू फादर ये बेसिकली यहाँ पर इनहेरिटेंस चल रही है ठीक है ये यहाँ पर इनरिडेंस चल रही है यहाँ भी इनहेरिटेंस चल रही है तो ये सब के सब एक घर के अंदर रह रहे हैं हम अब आपके पास हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास कुछ डेटा है राइट आपके पास अपना सब उसको अपना खुद का फ़ोन है आप चाहते हो कि वो फ़ोन कोई भी एक्सेस ना कर पाए इस पैकेज के अंदर या फिर बाहर की दुनिया का भी कोई बंदा ठीक है ये घर आपका है लेकिन आपके घर जैसा सब उसको दूसरा घर बगल में भी है राइट जिसके अंदर कुछ और लोग रहते हैं इस घर में कोई और क्लास रहती है इस घर में कोई और लोग रहते हैं राइट तो ये दूसरा पैकेज है तो घर का मतलब पैकेज अब आपके पास कुछ डेटा है जो आप चाहते हो कि सिर्फ़ आप ही एक्सेस कर पाओ आपके पापा भी एक्सेस ना कर पाए और कोई और भी एक्सेस कर पाए तो आप उस चीज़ को प्राइवेट बना दोगे ठीक है तो प्राइवेट तो सिंपल है प्राइवेट चीज़ का मतलब कि एक क्लास ही उसको एक्सेस कर सकती है उस क्लास के बाहर कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता है ये काम कैसे करेगा ज़रा समझते हैं आ, बट उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने उसी चीज़ को किसी चीज़ को पब्लिक बना दिया अपने अंदर रखते हुए आपने बोल दिया कि इसकी एक्सेस सबके पास होनी चाहिए तो आप उसको पब्लिक बना सकते हो पब्लिक करने का मतलब आपके पापा अंकल चाचा और इसके अलावा बाहर का भी कोई बंदा रैंडम कोई बंदा है ये रैंडम बंदा भी एक्सेस कर सकता है अगर कोई चीज़ पब्लिक बना दिया तो ठीक है तो पहले प्राइवेट और पब्लिक समझ लेते हैं उसके बाद सिर्फ प्रोडक्टेड और डिफ़ॉल्ट भी समझ लेंगे तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक पर्सन क्लास है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी है इंट एज और स्ट्रिंग नेम इसके अलावा हमारे पास एक टीचर है और इस टीचर के पास सब उसको अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाता है तो टीच क्लास ठीक है टीचिंग क्लास तो इसके पास ये वाली प्रॉपर्टी है अब आ, हम चाहते हैं कि इस टीचर के पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इसको हम पब्लिक करना चाहते हैं तो आप बस यहाँ पे आओगे और लिख दोगे पब्लिक पब्लिक करने का मतलब ये जो टीचिंग क्लास चीज़ है ठीक है कि आप किसी भी टीचर के अंदर की उसकी टीचिंग क्लास पता लगा सकते हो कि वो कौन सी क्लास के अंदर पढ़ा रहा है राइट तो इसने ये वाली प्रॉपर्टी अपनी पब्लिक कर दी है लेकिन सपोज़ करो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपनी प्राइवेट भी रखना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर के पास एक और प्रॉपर्टी है विच इज़ हिज़ आई और टीचर बोलना चाहता है कि मेरी जो आई है ये प्राइवेट रहनी चाहिए तो अब हमने यहाँ पर टीचर की आई को प्राइवेट कर दिया है इसका मतलब अगर इस टीचर uh, की आईडी को आप बाहर से कभी कहीं से एक्सेस करना चाहते हो फॉर एग्जांपल सपोज करो मेन क्लास से आप एक्सेस करने का ट्राई करते हो तो मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ और लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर क्लास तो टीचर ऑब्जेक्ट टू न्यू टीचर इस तरीके से और आ, अगर आप टीचर के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर टीचिंग क्लास को एक्सेस करना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट और इस टीचर uh, की टीचिंग क्लास लत से ट्वेल्थ uh, क्लास को पढ़ाता है लेकिन अगर आप उसकी आईडी को सेट करना चाहते हो या फिर गेट करना चाहते हो तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते राइट right? कि आ, अगर आप ऑब्जेक्ट इस टीचर की आई को एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर एरर आ रहा है आई हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन दिस तो इसी वजह से ये आईडी बाहर कहीं और एक्सेस नहीं हो पा रही है लेकिन अगर आप कोई यही सेम चीज़ एक्सेस कर रही है इस टीचर क्लास के अंदर तो सपोज़ करो अब मैं टीचर क्लास के अंदर गया इसके अंदर भी मैंने पब्लिक स्टडी एपार्टमेंट बनाया और इसके अंदर मैंने सेम कोड कॉपी पेश कर दिया तो यहाँ पर अलाउड है देखो टीचर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट आईडी अलाउड है बिकॉज आप इसी टीचर क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हो तो अगर किसी ने बोल रखा कि ये सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए किसी और बाहर की दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए तो मैं उसको बना दूंगा प्राइवेट किस इसको सिर्फ़ मैं ही मॉडिफाई कर सकता हूँ इसको सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ इसको सिर्फ़ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ कोई और बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है तो आई विल मेक इट प्राइवेट यहाँ पर देखा हमने कि ये जो आई है ये प्राइवेट है आई एक्सेस नहीं हो पा रही है इस टीचर क्लास के बाहर तो प्राइवेट का फंडा समझ में आ गया इसके अलावा पब्लिक का फंडा ये होता है कि अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया है जैसे यहाँ पर हमने पब्लिक कर दिया है तो आप इस पैकेज के अंदर तो एक्सेस कर ही पा रहे हो अब यहाँ पर देखो लर्न पैकेज नाम का पैकेज हमने बनाया है और इसके अंदर ये टीचर क्लास है तो इस पैकेज के अंदर तो ये अवेलेबल रहेगा ही लेकिन सपोज़ करो मैंने ऊप थ्री के अंदर एक और पैकेज बना लिया तो अब मैं ऊप थ्री के अंदर एक और नया पैकेज बनाऊंगा तो न्यू पैकेज लेकिन ये लर्न पैकेज के अंदर नहीं होगा ये ऊप थ्री के अंदर अनदर पैकेज होगा ठीक है पैकेज टू रख देता है पैकेज टू तो ऊप थ्री के अंदर मैंने एक और पैकेज बनाया और इसके अंदर मैं एक नई क्लास बनाऊँगा मेन इन पैकेज टू तो ये मेरी मेन क्लास है पैकेज टू के अंदर और पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और इसके अंदर मैं टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट मांगूँगा तो टीचर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टीचर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसे इंपोर्ट कराना पड़ा देखो सबसे पहले तो मैंने ओप्स थ्री डॉट लर्न पैकेज डॉट टीचर को इंपोर्ट कराया है ये लाइन आपने देखी क्योंकि टीचर क्लास का मुझे नहीं पता टीचर क्लास किधर है अगर मेरे सेम पैकेज के अंदर कहीं पड़ी है तब तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं अपने पैकेज के बाहर कहीं से बुला रहा हूँ उसे अगर मेरे घर में ही है तो मुझे इम्पोर्ट कराने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मेरे घर के बाहर से मुझे कहीं से उसे बुलाना पड़ रहा है तो मुझे इम्पोर्ट कराना पड़ेगा बेसिकली आप तो समझ सकते हो कि अगर मेरे घर के अंदर ही कोई रिपेयर कर सकता है नल को तो वो नल को ठीक कर देगा मुझे उससे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मुझे मेरे घर में कोई ठीक नहीं कर सकता मुझे बाहर से किसी को बुलाना पड़ रहा है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी राइट मुझे उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा पहले तो वही सेम चीज़ है कि अगर आपके घर में नहीं है आपको घर से बाहर से किसी को बुलाना है तो आपको इस तरीके से उसे इम्पोर्ट कराना पड़ेगा जैसे हमने कराया कि पैकेज टू के अंदर कहीं भी टीचर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो है ये टीचर तो आप इस तरीके से उसको इम्पोर्ट करा के ला पाए और इम्पोर्ट कराते टाइम आप ऐसे पूरा का पूरा पाथ बताते हो उसको इस तरीके से ठीक है आपने बताया कि टीचर और टीचर क्लास कहाँ मिलेगी टीचर क्लास यहाँ मिलेगी अब इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट आई डी तो आपको दिख रहा है यहाँ भी अवेलेबल नहीं होगा खैर ये तो ठीक है ऑब्जेक्ट डॉट आई डी अवेलेबल नहीं है ये तो हमें पता ही है बिकॉज आई तो प्राइवेट है अब जरा यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट दूसरी चीज क्या है ऑब्जेक्ट डॉट टीचिंग क्लास टीचिंग क्लास एक्सेस करते हैं तो टीचिंग क्लास हमें पता है टीचिंग क्लास तो एक्सेसिबल है टीचिंग क्लास इक्वल्स टू लेट्स से 14, फोर्टीन तो कुछ नहीं होता फोर्थ क्लास तो ऑब्जेक्ट डॉट टीचिंग क्लास ये एक्सेसिबल है बिकॉज ये हमने पब्लिक कर रखा है अगर आप कमांड करके इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा इधर ही पहुंच जाओगे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टीचिंग क्लास तो हमने पब्लिक किया हुआ है इसीलिए यहां पर अवेलेबल है तो कमांड क्लिक करके आप वहां जा सकते हो उसके अलावा अगर आपको जस्ट बैक जाना है तो उसके लिए आप कर सकते हो कमांड ऑप्शन और फिर लेफ्ट एरो की तो उससे आप वापस चले जाओगे जहाँ से आपने क्लिक किया था ठीक है तो कमांड क्लिक करके ये और बैक अगर वापस जाना है तो कमांड ऑप्शन और लेफ्ट एरो की कमांड ऑप्शन जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आप समझ लो कंट्रोल ऑल्ट अगर आप विंडोज़ के अंदर हो तो कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट एरो की से आप बैक चले जाओगे कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो की से आप आगे बढ़ जाओगे ठीक है तो ये हो गया हमारा टीचिंग क्लास और अभी हमने सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट समझाया कि पब्लिक के अंदर मतलब पूरी दुनिया को अवेलेबल है वो वो चीज़ और प्राइवेट के अंदर सिर्फ आपकी क्लास को तो अवेलेबल है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है तो डिफ़ॉल्ट मतलब जब आपने कुछ भी नहीं लगाया ना जब आपने ना तो प्राइवेट लगाया ना प्रोटेक्टेड लगाया ना पब्लिक लगाया तो उसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि डिफ़ॉल्ट का एक दूसरा नाम भी होता है विच इज़ कॉल्ड पैकेज प्राइवेट तो इसको आप पैकेज प्राइवेट भी बोलते हो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेज प्राइवेट पैकेज प्राइवेट का मतलब ये है कि ये चीज़ आ, अपने पैकेज के अंदर प्राइवेट है पैकेज के बाहर सॉरी पैकेज के अंदर तो अवेलेबल है लेकिन पैकेज के बाहर अवेलेबल नहीं है ठीक है uh, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेम क्लास के अंदर तो सभी अवेलेबल है सेम पैकेज के अंदर अगर सब क्लास है तो प्राइवेट वाली चीज़ अवेलेबल नहीं होगी uh, वहीं पर पब्लिक वाली चीज़ तो हर जगह अवेलेबल है ठीक है सेम पैकेज के अंदर नॉन सब क्लास है तो वहाँ भी अवेलेबल है क्योंकि ये तो पैकेज प्राइवेट है तो पैकेज के अंदर तो अवेलेबल होगी लेकिन डिफरेंट पैकेज के अंदर है तो नो डिफरेंट पैकेज के अंदर है तो नो no. तो डिफ़ॉल्ट वाली जो चीज़ें होती हैं डिफॉल्ट वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी कॉम्पोनेंट होता है क्लास का अगर आपने तो उसको डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर दिया है विच इज़ नो एक्सेस मॉडिफायर तो वो वो सिर्फ उस पैकेज के अंदर ही रहेगा उस पैकेज के बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक चीज़ पब्लिक बना दिया है एक चीज़ प्राइवेट बना दिया अब मैं एक पब एक चीज़ पैकेज प्राइवेट बनाता हूँ या फिर डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए आप कर सकते हो जैसे कि टीचर के पास एक और प्रॉपर्टी है उसकी डिग्री ठीक है हम चाहते हैं कि टीचर की डिग्री जो है वो सिर्फ इस पैकेज तक ही अवेलेबल हो तो उसके लिए मैं उसको बनाऊँगा टीचर की डिग्री को स्ट्रिंग डिग्री इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने इसे बना दिया है पैकेज प्राइवेट पैकेज प्राइवेट कैसे और डिफॉल्ट कैसे जब आपने कुछ भी नहीं लगाए ना इसके आगे ना आपने पब्लिक लिखा ना प्राइवेट लिखा ना आपने प्रोटेक्टेड लिखा तो दैट बिकम्स डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ठीक है दिस इज डिफॉल्ट और पैकेज प्राइवेट तो इसका मतलब ये कि ये जो डिग्री है ये आप सिर्फ इस पैकेज में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल लर्न पैकेज के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो तो लर्न पैकेज के अंदर आप मेन क्लास के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो इसको फॉर एक्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिग्री ठीक है किसकी आपकी डिग्री आपने यहाँ पर सेट कर दी तो यहाँ अवेलेबल है लेकिन अगर इस पैकेज के बाहर किसी और पैकेज से एक्सेस करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मेन इन पैकेज टू ये दूसरे पैकेज में राइट right? यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं रहेगा देखो ऑब्जेक्ट डॉट डिग्री ये नहीं मिल रही है यहाँ पे हमें और अगर आप इस पर हावर करोगे तो ये बोलेगा डिग्री इज नॉट पब्लिक कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज क्योंकि डिग्री पब्लिक नहीं है तो आप आउटसाइड पैकेज उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो तो अगर आपको आउटसाइड एक्सेस पैकेज आउटसाइड पैकेज एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा डिफ़ॉल्ट का क्या रोल था नेक्स्ट हम प्रोडक्टेड को समझेंगे इसके अंदर बेसिकली आप आ, का जो पेरेंट है पेरेंट की चीज़ों को चाइल्ड एक्सेस कर सकता है फिर वो चाहे किसी भी क्लास के अंदर हो और चाहे वो किसी भी पैकेज के अंदर हो तो जैसे यहाँ पर देखो और पेरेंट के पास सपोज़ करो कुछ प्रॉपर्टी है राइट पेरेंट चाहता है कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरे चाइल्ड को हमेशा एक्सेसिबल रहे मेरे पैकेज में भी एक्सेसिबल रहे बेसिकली मैं जिस पैकेज के अंदर हूँ उसके अंदर भी एक्सेसिबल रहे फॉर एग्ज़ाम्पल अंकल को एक्सेसिबल रहे वो चीज़ और चाइल्ड को एक्सेसिबल रहे लेकिन uh, मेरा जो इमीडिएट चाइल्ड है उसको भी एक्सेसिबल रहनी चाहिए फॉर एक्जाम्पल ये जो सन है वो इस पैकेज के अंदर है तब भी एक्सेसिबल हो लेकिन सन फ्यूचर में किसी और पैकेज के अंदर चला जाता है सपोज करो तब भी ये रिलेशन तो बना ही हुआ है राइट right? पेरेंट और सन का रिलेशन तो खत्म होगा नहीं तो फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो तब भी सन के पास एक्सेसिबल रहनी चाहिए अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा ऐसे केस में आपको दिख रहा है कि आप प्राइवेट तो बना नहीं सकते बिकॉज अगर प्राइवेट बना दिया तो सिर्फ फादर के पास एक्सेसिबल होगा सन को कभी नहीं मिलेगा सिमिलरली uh, अगर पैकेज प्राइवेट रखा मतलब डिफॉल्ट रखा तो सिर्फ ऐसे ही केस में अवेलेबल होगा लेकिन अगर सन किसी और पैकेज में चला जाए तो अवेलेबल नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पर एक और अलग बनाया गया है विच इज़ कॉल्ड प्रोटेक्ट uh, तो आप अगर आपने किसी फील्ड को प्रोटेक्ट बनाया हुआ है अपने पेरेंट क्लास के अंदर uh, या फिर सुपर क्लास के अंदर तो सब क्लास के अंदर वो अवेलेबल रहेगा चाहे वो फिर किसी भी पैकेज के अंदर हो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सेम क्लास के अंदर है तो अवेलेबल है सेम पैकेज के अंदर है तो भी अवेलेबल है सेम पैकेज के अंदर है, अवेलेबल है डिफरेंट पैकेज सब क्लास है अगर डिफरेंट पैकेज सब क्लास के अंदर भी अवेलेबल होगा uh, लेकिन डिफरेंट पैकेज और नॉन सब क्लास है तो अवेलेबल नहीं होगा जैसे अगर ये क्लास है कोई डिफरेंट पैकेज की आर तो इसको अवेलेबल नहीं होगा वो फील्ड अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे कि टीचर क्लास है इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें बना रखी हैं इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड फील्ड बनाते हैं लेट्स से प्रोटेक्टेड स्टूडेंट्स काउंट जो कि बताता है कि किसी टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं ठीक है टीचर ने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है तो ये काम करते हैं इस टीचर का ही सब क्लास बना देते हैं किसी को तो मेन इन पैकेज टू ये दूसरे पैकेज के अंदर है इसी को हम बना देते हैं सब क्लास ऑफ टीचर तो दिस विल एक्सटेंड टीचर क्लास तो अब बेसिकली मेन पैकेज इन टू इज़ अ टीचर तो इसके पास टीचर क्लास के चीज़ों का एक्सेस है फॉर एग्जांपल अगर आप इस मेन इन पैकेज टू का ऑब्जेक्ट बनाओगे मेन इन पैकेज टू मेन इन पैकेज टू एक न्यू मेन इन पैकेज टू यहाँ पर ये नाम क्लास के नाम पे मत जाओ बेसिकली बस कंसेप्ट जाओ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज अ टीचर एज वेल बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडिंग अ टीचर तो ये अपने टीचर की बेसिकली अपने पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है जो कि प्रोटेक्टेड है तो मेन इन पैकेज टू कैन एक्सेस टीचर स्टूडेंट्स काउंट ऑल राइट जस्ट बिकॉज ये इसका आ, पेरेंट है और अगर ये पेरेंट नहीं रहता अगर सपोज करो यहाँ पर ये पेरेंट नहीं है ऐसे तब तो इसके पास एक्सेस होगी ही नहीं इसकी बिकॉज ये कहाँ से आया ये तो है ही नहीं इसके अंदर राइट मेन इन पैकेज टू के अंदर आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा लेकिन अगर आप इसको बना दोगे ऐसे एक्सटेंड्स टीचर तो अब यहाँ पर एक्सेसिबल है लेकिन अगर आपने इसको पैकेज प्राइवेट कर दिया इस तरीके से सिंपल पैकेज प्राइवेट है तो फिर अब वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा उसको क्योंकि पैकेज प्राइवेट है वो चीज़ तो राइट वो दूसरे पैकेज के अंदर कैसे आ सकती है तो अगर आपको दूसरे पैकेजेस की अपने चाइल्ड सब क्लासेस को भेजना है कुछ तो उसके लिए आपको उसको प्रोटेक्ट बनाना पड़ेगा राइट प्रोटेक्टेड बना दो क्योंकि प्राइवेट बना दोगे तो तो नहीं होगा अवेलेबल प्राइवेट बना दोगे तब तो फिर कहीं और अवेलेबल नहीं होगा तो सिंपल सा है एक सजूशन विच इज़ मेक इट प्रोटेक्टेड पब्लिक बना दोगे तो फिर तो सभी को अवेलेबल हो जाएगा वो हमें नहीं चाहिए था हम चाहिए था कि सिर्फ हमारे सब सब क्लासेस को अवेलेबल हो तो उसके लिए प्रोटेक्टेड काम में आता है तो आई थिंक हमें चारों चारों एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गए होंगे एक बार जरा दोबारा समझ लेते हैं पब्लिक का मतलब सब जगह अवेलेबल है पब्लिक अगर कोई चीज़ कर दी तो वो हर जगह अवेलेबल है जैसे हमने देखा था एक सन के अंदर अगर आपने कोई चीज पब्लिक कर दी तो वो यहाँ पर भी अवेलेबल है यहाँ पर भी यहाँ पर भी बेसिकली पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं भी उसके बाद अगर आपने प्राइवेट कर दी तो सिर्फ उस क्लास के अंदर अवेलेबल है अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो वो उस क्लास के बाहर कहीं और एक्सेस हो ही नहीं सकती अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है तो हमें दिख रहा है कि वो सब क्लास के अंदर अवेलेबल होगी फिर वो सब क्लास किसी भी पैकेज के अंदर हो सकती है और अगर कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट है तो वो डिफ़ॉल्ट चीज़ सिर्फ एक पैकेज के अंदर अवेलेबल होगी पैकेज के बाहर कहीं और अवेलेबल नहीं होगी फिर चाहे वो सब क्लास हो चाहे ना हो वो सिर्फ उस पैकेज के अंदर अवेलेबल होगी ठीक है तो अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर सब क्लास भी है तो भी अवेलेबल नहीं होगी तो ये चार हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जिससे हम अपने डेटा के एक्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं कि हमें अपना डेटा कहाँ कहाँ पहुँचाना है कि अगर अपने इंडिया को अपने राइस को कहीं कहीं नहीं पहुँचाना है तो वहाँ पर वो उनको प्रोटेक्टेड कर सकती है या फिर प्राइवेट कर सकती है प्रोटेक्टेड करने का मतलब कि हम सिर्फ अपने सब क्लासेस को हमारी जो सब कंट्री या फिर सब स्टेट्स हैं सिर्फ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं राइट सब कंट्रीज़ तो कुछ नहीं है और इसके बाद अगला देखते हैं जावा इन इनकेप्सुलेशन रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ फील्ड्स एंड मैथड्स इन साइड अ सिंगल क्लास तो इनकेप्सुलेशन बेसिकली अचीव कर पाते हम एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से ठीक है तो इसीलिए एक्सेस मॉडिफायर्स को समझना जरूरी था पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड अब हमें समझ में आ चुका है तो अब हम इनकेप्सुलेशन को समझ पाएंगे इनकेप्सुलेशन रेफर्स टू बंडलिंग ऑफ फील्ड्स एंड मैथड्स इन साइड अ सिंगल क्लास तो इसका मतलब क्या है तो जैसे आपने देखा होगा इनकेप्सुलेशन निकलता है एक वर्ड से विच इज़ कॉल्ड कैप्सूल ठीक है तो जैसे एक कैप्सूल होता है दवाई का कैप्सूल होता है राइट उसके अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे सपोज करो दिस इज़ योर कैप्सूल राइट ऐसा कुछ कैप्सूल होता है हाँ देखा तो इसके अंदर कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं तो बेसिकली आपने उन दवाइयों को जिन जो एक टाइप की दवाइयाँ हैं मतलब जिनसे एक टाइप की बीमारी सॉल्व हो सकती है उनको आपने एक साथ रखा हुआ है राइट सपोज़ करो ये रेड दवाई इसके अंदर और साथ में इसके अंदर येलो दवाइयाँ भी हैं तो इनको आपने एक साथ एक कैप्सूल में रखा हुआ है दिस इज़ नोन इन कैप्सुलेशन ही बेसिकली सेम टाइप का डेटा और उस डेटा के ऊपर जो भी बिहेवियर है या फिर जो भी फंक्शंस हैं उनको आपने एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिया दैट इज़ नोन एज इन अगेन आई विल रिपीट कि आपने रिफर्स टू बंडलिंग ऑफ फील्ड्स एंड मैथड इनसाइड अ सिंगल क्लास आपने बेसिकली क्या किया एक क्लास बना लिया और इस क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि सपोज करो आपने बना लिया एक पर्सन क्लास अब इस पर्सन क्लास के अंदर आपने बनाया एज और आपने बनाया नेम और वो सारी सारी चीज़ें जो कि इस एज को चेंज कर सकती है या फिर वो चीज़ें जो इस नेम को चेंज कर सकती है या फिर इस नेम के ऊपर काम करेंगी वो फंक्शन भी आपने ये पे डिफाइन कर दिया है राइट फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एज ये फंक्शन है जो कि इस एज पर काम करेगा तो सेम टाइप का डेटा एंड द फंक्शन दैट इज वर्किंग ऑन दिस डेटा अगर आपने उन सबको एक ही क्लास के अंदर इंक्लोज कर लिया तो दैट इज नोन एज जावा इन अब आप बोलोगे भैया इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या मतलब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इससे मतलब फ़ायदा क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ इट प्रिवेंट्स आउटर क्लासेस फ्रॉम एक्सेसिंग एंड चेंजिंग द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ अर क्लास तो इससे बेसिकली आप ये अचीव कर पाते हो कि कोई और बाहर की क्लास सपोज करो कोई बाहर की मेन क्लास है तो ये सीधा चेंज नहीं करेगी चीज़ों को ठीक है सीधा ये एज वग़ैरह को एक्सेस नहीं कर सकते है. क्योंकि आप बोल दोगे कि भाई एज प्राइवेट है अब अगर एज प्राइवेट है तो एज के ऊपर काम भी करना है राइट right? एज के ऊपर काम करेगा तो एज के ऊपर काम सिर्फ यही कर सकता है पर्सन क्लास ही कर सकता है अगर मेन क्लास को एज चेंज करनी है तो मेन क्लास सीधा एज को ऐसे चेंज नहीं करेगी मेन क्लास को अगर एज को एक्सेस करना है तो वो कुछ कुछ और मैथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकती है तो इससे क्या होता है इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि, कि किस तरीके से आपका डेटा एक्सेस हो रहा है किस तरीके से डेटा चेंज हो रहा है कौन कौन एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को अगर अभी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हैं तो अभी हम एक्साम्पल के ओर से समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और दिस ऑलसो हेल्प्स टू अचीव डेटा हाइडिंग वैसे डेटा हाइडिंग को भी हम समझेंगे ऐसा करते हैं पहले डेटा हाइडिंग भी देख ही लेते हैं बिकॉज इनकेप्सुलेशन का मतलब तो सिर्फ यही होता है कि आपने सेम डेटा और उस डेटा के ऊपर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं जो उस पर काम कर रहे हैं उन सबको आपने एक फाइल में डाल दिया दिस इज़ नोन एज इनकेप्सुलेशन बहुत ठगड़ा कुछ बहुत खतरनाक कंसेप्ट नहीं है लेकिन डेटा हाइडिंग को समझ लेते हैं एक बार उसके बाद मैं आपको कोड में बताऊंगा कि डेटा हाइडिंग इज अ वे ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस ऑफ आवर डेटा मेंबर्स बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इनके्प्लून ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे फॉर डेटा हाइडिंग ठीक है तो इनकेशुलेशन की हेल्प से ही डेटा हाइडिंग हो रही होती है या फिर आप कह सकते हो इनकेप्सुलेशन के अंदर डेटा हाइडिंग होती है ठीक है वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफाइड टू अचीव डेटा हाइडिंग अभी हम देखेंगे कैसे ये हो रहा है आप uh, यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है पीपल ऑफन कंसिडर इनकेप्सुलेशन एज डेटा हाइडिंग बट दैट नॉट इंटायरली ट्रू इनकेशन रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ रिलेटेड फील्ड एंड मैथड्स टुगेदर दिस कैन बी यूज टू अचीव डेटा हाइडिंग इनकेप्सुलेशन इन इट सेल्फ इज़ नॉट डेटा हाइडिंग ठीक है तो ये जो बड़ी सी लाइन है या आई थिंक सेल्स बना रही होगी अभी नहीं भी बना रही है तो अभी, बना है, तो अभी बनाएगी धीरे धीरे करके ठीक है ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि कई बार लोग जो होते हैं वो इनकेप्सोलेन और डेटा हाइडिंग को सेम मान लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इनकेप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपने रिलेटेड फील्ड और उसके ऊपर जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको एक साथ रख दिया है इसकी हेल्प से आप लोग डेटा हाइडिंग अचीव कर पाते हो ठीक है इसकी इनकेप्सुलेशन की हेल्प से आप लोग डेटा हाइडिंग अचीव कर पाते हो लेकिन इनकेप्सुलेशन का मतलब सिर्फ डेटा हेडिंग नहीं है इनकेप्सुलेशन का मतलब और भी काफ़ी कुछ है ठीक है तो आप समझ सकते हो कि इनकेपुलेशन एक बहुत बड़ा सर्कल है उसके अंदर उसके अंदर एक डेटा हेडिंग पार्ट भी है ठीक है तो डेटा हेडिंग आप यहाँ पर अचीव कर पाए लेकिन इनकेपोशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर ये भी होता है कि आप सेम टाइप के डेटा को सेम टाइप के मेथड को एक साथ रख पा रहे हो इससे डेटा हेडिंग अचीव हो जाती है लेकिन अब जरा यह समझ लेते हैं कि ये सब मैंने क्या बोल दिया है कोड में बताऊँगा लेकिन मैं वो चीज़ ठीक है तो उसके लिए मैं काम करूँगा यहाँ पे एक और पैकेज बना लेते हैं लेट्स मेक अनदर पैकेज इन साइड थ्री एंड लेट्स नेम इट इन कैप्सुलेशन लर्न इनकेप्सुलेशन ठीक है और इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास बना लेंगे मेन इन इनकेपसुलेशन तो ये मैंने एक और क्लास बना लिया ठीक है तो ये है हमारी मेन इन इनकेप्सुलेशन क्लास ऑल राइट और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले इस पर्सन क्लास का अब ये पर्सन क्लास जो है ये हमें पता है ये दूसरी जगह पे पड़ी हुई है ये पर्सन क्लास हमारी लर्न पैकेज वाले पैकेज के अंदर पड़ी है बट दैट इज़ फाइन तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्सन क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं ना ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगी अब इन कैप्सुलेशन को समझ रहे हैं हम इन कैप्सुलेशन बोलते हैं कि हम अपने डेटा को हाइड कर देंगे हम बोल देंगे कि हम इस एज पर और इस नेम पर जो भी काम होना है वो हमारे थ्रू के जाएगा आप सीधा उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो आप सीधा एक्सेस नहीं करोगे इसका मतलब आप उसे प्राइवेट कर दोगे तो आपने इन दोनों चीज़ों को पहले तो कर दिया प्राइवेट प्राइवेट करने का मतलब आपने बोल दिया कि ये अब चीज़ें जो हैं ये कहीं और से एक्सेसिबल नहीं होंगी लेकिन अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो आप हमारे थ्रू एक्सेस करो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके अंदर गेटर्स और सेटर्स मेथड तो बना सकते हो जैसे कि आपको अगर एज को सेट करना है किसी को अगर पर्सन बनाना है और पर्सन की एज को सेट करना है तो वो ऐसे सेट नहीं करेगा हम बताएंगे तब वैसे सेट करेगा तो आप पब्लिक वाइड सेट एज नाम का फंक्शन बना सकते हो जो कि एक एज लेता है और उस फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज तो ये वाला फंक्शन अगर आपने कॉल कर दिया तो उससे आप क्योंकि आप तो एक्सेस कर सकते हो राइट right? आपने प्राइवेट बनाया तो आप तो इस एज को एक्सेस कर सकते हो लेकिन कोई और एक्सेस नहीं कर सकता तो आपको अगर इसकी एज को सेट कराना है बाहर से कहीं से तो आप ये पब्लिक मैथड एक्सपोज कर दोगे दूसरों के लिए और वो इस पब्लिक मैथड को कॉल कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इसके अंदर मैं बनाऊंगा पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट तो पर्सन पी वन हीसन अब इस p1 की मुझे एज सेट करनी है तो मैं सीधा एज ऐसे सेट नहीं कर सकता राइट right? क्योंकि एज जो है ये एज तो प्राइवेट फील्ड है एज प्राइवेट है तो यू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली तो क्या करना पड़ेगा आपको इस p1 के अंदर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा विच इज p1 वन डॉट सेट एज और यहां पर आप ट्वेल्व डिफाइन कर दोगे इस तरीके से तो आप अब यहां पर पी की एज को सेट कर पाए पी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एज को सेट कर पाए लेकिन आप डायरेक्टली सेट नहीं कर पाए आप इस मेथड के थ्रू सेट कर पाए अब अगर आपको इसकी एज को प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट करने जाओगे तो तभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा ये राइट पी वन डॉट एज लिखा आपने प्रिंट करने के लिए तो वहाँ पर एज अवेलेबल नहीं है अभी भी तो अगर आपको इस एज को प्रिंट भी कराना है गेट कराना है तो उसके लिए आप एक गेटर्स बना सकते हो तो पब्लिक इंट गेट एज एक फंक्शन होगा जिसका काम होगा एज रिटर्न करना रिटर्न एज तो आपने देखा कि आप सीधा इस एज के ऊपर काम नहीं करने दे रहे आपने गेटर्स एंड सेटर्स मेथड बना लिए हैं जिनकी हेल्प से कोई और क्लास इनको गेट कर सकते या सेट कर सकती है जैसे अगर इस क्लास को अभी गेट करना है तो वो सीधा ऐसे एक्सेस नहीं करेगी वो कॉल करेगी गेट एज इस तरीके से और अगर आप अभी से रन करोगे तो आप देखोगे ट्वेल्व प्रिंट होगा ठीक है यहाँ पर ट्वेल्व प्रिंट हो रहा है इसका मतलब आप P1 ऑब्जेक्ट के अंदर 12 सेट कर पाए लेकिन सीधा नहीं सेट कर पाए आपको इस गैटर्स एंड सेटर्स के थ्रू होकर जाना पड़ा बिकॉज जो एज वेरिएबल है उसको हमने प्राइवेट सेट किया हुआ है एंड दिस इज़ नोन एस इनकेप्सुलेशन एंड डेटा हेडिंग ठीक है दोनों चीज़ें आपने एक साथ देख ली अब हम में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हुआ अभी भी आप सेट एज कर पा रहे हो अभी भी आप कैट एज कर पा रहे हो तो ये इनकेप्सुलेशन का फायदा क्या हुआ वेल well, इनकेप्सुलेशन का फायदा ये हुआ है कि अब आप कंट्रोल कर सकते हो कि कब कब एक्सेस करने देना है या फिर कैसे कैसे एक्सेस करने देना है राइट फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज करो बोल दिया कि ये जो पर्सन है इसको सिर्फ तभी एक्सेस कर सकते हो जब कोई फील्ड ट्रू है फॉर एग्जाम्पल बोलियन कैन वी चेंज और अगर ये वैल्यू शुरुआत में सपोज करो फॉल्स है तो अगर कैन बी चेंज फॉल्स है सपोज करो अभी टाइम नहीं हुआ है चेंज करने का राइट और ये कैन बी चेंज की वैल्यू जो है वो नेटवर्क कॉल के थ्रू आ रही है कि सपोज करो कि नाम चे, आ, एज चेंज करने का जो टाइम है वो सुबह आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक होता है तो सुबह के आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक तो ये वैल्यू ट्रू रहती है अदरवाइज ये फॉल्स जाती है तो उसको अब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो सीधा आप यहाँ पर सीधा देख लोगे कि इफ कैन बी चेंजड अगर ये वैल्यू ट्रू है तब तो हम ऐज को सेट करेंगे अदरवाइज एज को सेट नहीं करेंगे इस तरीके से तो अब हमारा कंट्रोल है बेसिकली एज को सेट करने के ऊपर राइट बिकॉज अब कोई भी अगर सेट ऐज करना चाहेगा तो एज को सेट करने से पहले उसको हमारा जो चेक लगाया हुआ है हमें हमने उसके थ्रू होकर जाना पड़ेगा तो क्योंकि अभी वो चेक फॉल्स है तो अभी अगर आप इसे रन करोगे तो यहाँ पर एज ट्वेल्व नहीं होगी एज देखो बाई डिफॉल्ट नल जीरो है राइट बिकॉज इंटीजर की बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो होती है बिकॉज ऐज कोड नॉट बी चेंजड बिकॉज ऐज कैन नॉट बी चेंज बिकॉज एज कैन नॉट बी चेंज की वैल्यू हमने फ़ॉल्स रखी हुई है सपोज करो कैन बी चेंज ट्रू है तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो बस ये फ़ायदा होता है कि आप एक्सेस uh, आप बेसिकली ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो कि कब मुझे कोई चीज़ चेंज करने देनी है कब मुझे चेंज नहीं करने देनी है राइट अगर मैं इसको पब्लिक कर देता तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस एज को चेंज होने से रोकने का राइट कोई भी आएगा फ्यूचर में कोई तो भी बंदा यहाँ पे इजीली पी वन डॉट एज ऐसे करके कुछ भी कर देगा राइट right? या तो ये भी कर सकता है और एक और चीज़ भी हो सकती है कि सपोज uh, uh, करो इफ कैन बी चेंज्ड भी है और साथ में इफ़ एज इज वैलिड सपोज करो मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव एज कोई ना डाल पाए राइट right? तो मैं यहाँ पर देख लूंगा इफ एज इज लेस इफ एज इज ग्रेटर दैन जीरो राइट अगर एज ग्रेटर देन जीरो है तभी एज को चेंज करने दूंगा मैं यहाँ पे तो बेसिकली वैलिडेशन भी लगा दिया मैंने ऑथराइजेशन भी लगा दिया मैंने वैलिडेशन भी लगा लिया कि अगर कोई बंदा सपोज़ करो एज कैन कैन बी चेंजड राइट अभी कैन बी चेंज ट्रू है लेकिन कोई बंदा आके फ्यू माइनस ट्वेल्व एज सेट करने का ट्राई कर रहा है तो मैं नहीं सेट करने दूंगा उसको राइट right? यहाँ पर देखो अभी भी माइनस ट्वेल्व सेट नहीं कर पाया वो तो ये सब इसलिए पॉसिबल है बिकॉज मैं यहाँ पे अपनी सेट एज फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ और ये फ़ायदा होता है डेटा हाइडिंग का सिमिलरली मैं इस गेट एज मैथड के अंदर भी लगा सकता हूँ कि एक्सेस uh, देनी है कि नहीं देनी है सपोज़ करो एक्सेस मैं सिर्फ किसी किसी को दे सकता हूँ Uh, या फिर uh, एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके अंदर मैं एक्सेस दे सकता हूँ ठीक है तो मैं एक पोलियन बना सकता हूँ कैन बी एक्सेस्ड ठीक है ऐसे करके वैसे तो इसकी वैल्यू कहीं और से आ रही होगी सपोज करो अभी मैं फ़िलहाल के कैन बी एक्सेस को ट्रू कर देता हूँ तो इफ़ इट कैन बी एक्सेस्ट इफ़ कैन बी एक्सेस्ड तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा एज को एल्स मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे सपोज़ करो माइनस वन ठीक है तो अगर एक्सेस किया जा सकता है एज को तो आप एज को एक्सेस एज को रिटर्न कर दोगे अदरवाइज़ आप माइनस वन रिटर्न कर दोगे तो अगर कोई यहाँ पे एज को प्रिंट करने का ट्राई करेगा जैसे यहाँ पर पी वन डॉट एज कोई प्रिंट करने का ट्राई करेगा पहले तो इसको मैं कर देता लेट्स से ट्वेल्व तो मुझे पता है पी वन डॉट सेट एज करने से वो एज ट्व हो जाएगी और यहाँ पर वो एज प्रिंट होनी भी चाहिए लेकिन सपोज़ करो एज कोई एक्सेस करने का ट्राई करता है जबकि एज एक्सेसिबल नहीं है तो यहाँ पर वो एज माइनस वन प्रिंट होने वाली है बिकॉज आपको मिलेगी नहीं गेट एज में से वो एज ठीक है इसलिए माइनस वन प्रिंट हो रही है तो इस तरीके से मैंने इस एज वेरिएबल के अराउंड बहुत सारे मैकेनिज्म लगा दिए जिनसे कि उनको एक्सेस करते टाइम प्रॉपर सिक्योरिटी रीजन के थ्रू के जाना पड़े तो ये फ़ायदा होता है हमारे इनकेप्सुलेशन का ठीक है इस तरीके से हम डेटा प्राइवेसी या तो डेटा हाइडिंग अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनकेप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर्स तो ये होता है बेसिकली इसके बाद हम अगला कंसेप्ट देखते हैं विच इज़ द स्टैटिक कीवर्ड तो ये एक और कीवर्ड है अभी तक तो हम काफी सारे कीवर्ड देख चुके हैं तो दिस इज अगेन वन ऑफ द कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली काम में आता है जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हैं जिनके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हाथ नहीं है वो क्लास की चीज़ें हैं ठीक है क्लास की चीज़ें हैं जैसे कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस क्लास मेम्बर्स विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास वी नीड टू डिक्लेयर द क्लास मेबर स्टैटिक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी क्लास का मैंबर क्लास मेबर मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि वेरिएबल्स आ गए आ या फिर आ, कोई मैथड आ गया तो वो आपके क्लास के मेम्बर होते हैं जैसे कि यहाँ पर भी आई थिंक मैंने बताया नहीं लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक ये सिर्फ मैंने वेरिएबल्स पर लगाए थे लेकिन आप इनको मैथड पर भी लगा सकते हो ठीक है बिकॉज मैथड्स आर ऑल्सो क्लास की चीज़ें ठीक है क्लास के मेंबर होते हैं मेथड भी तो इस तरीके से आप स्टैटिक uh, भी बना सकते हो चीज़ों को तो स्टैटिक बनाने का मतलब यह है कि उनको एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको बताया भी था कि ये लीप ऑफ फेथ लेके चलो प्रोग्रामिंग के अंदर शुरुआत फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि क्लिप ऑफ एड लेके चलो आपको धीरे धीरे करके पूरा पता चलता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर ठीक है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का मतलब क्या है तो पब्लिक तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बाहर वाली क्लास को भी मेन मेथड रन करना है तो वो कर सकती है बिकॉज इसको हमने पब्लिक बना रखा है राइट इसके बाद ये स्टैटिक क्यों बना रखा है ये आप समझ जाएंगे हम तो स्टैटिक इसलिए बना रखा होता है क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस मेन मेथड को रन करने के लिए इस मेन इन इनकेप्सुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो जावा का जो कंपाइलर है उसको इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा उसको अगर इस मेन मेथड को रन करना है क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टैटिक चीज़ें सीधा क्लास के थ्रू ही एक्सेस की जा सकती हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये हमारा पर्सन है इस पर्सन के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सपोज करो काउंट है कि कितने पर्सन के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं राइट right? तो स्टैटिक इंट काउंट इसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है सपोज़ करो तो मैंने एक काउंट वेरिएबल बना लिया विच इज स्टैटिक स्टैटिक का मतलब है कि ये जो काउंट वेरिएबल है अब ये पर्सन के ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करेगा ये एक ही बार बनेगा और यह सभी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा अपने आप ही ठीक है तो जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया फिलहाल के लिए ट्वेल्व अब इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं यहाँ से सपोज करो इस पी वन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं से एक्सेस करूँगा तो एस आउट पी वन डॉट काउंट तो अभी फिलहाल यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये पब्लिक नहीं है ठीक है तो इसको हम पब्लिक कर देते हैं क्योंकि पैकेज प्राइवेट था इसीलिए अवेलेबल नहीं था बाहर पैकेज में तो अभी अवेलेबल है और अभी अगर इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ट्वेल्व आएगी राइट लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी आ रही है आप देख रहे हो और वार्निंग कह रही है कि स्टैटिक मेंबर कैन बी एक्सेप्ट बाय इंस्टेंस रेफरेंस तो इसका मतलब कि इसको आप ऐसे रेफर करने की बजाय सीधा चाउदों पर्सन के थ्रू भी रेफर कर सकते हो क्योंकि ये पी वन के लिए भी इसकी वैल्यू ट्वेल्व है और पी टू कोई और पर्सन आप बनाओगे तो उसके लिए भी इसकी वैल्यू ट्वेल्व ही रहेगी बेसिकली इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती ही नहीं है इसकी वैल्यू पूरी के पूरे क्लास पर डिपेंड करती है और एक क्लास के लिए इसकी वैल्यू एक ही रहेगी मैं क्या कहना चाहता हूँ बेसिकली कि आप यहाँ पर पी वन डॉट काउंट को सपोज करो चेंज कर दो ऊपर कहीं पर आपने कर दिया पी वन डॉट काउंट इक्वल्स टू फिफ्टी इस तरीके से तो आपने सोचा होगा कि चलो मैंने तो पी वन के लिए काउंट को अपडेट कर दिया राइट right? लेकिन अगर आप यहाँ पर पी टू डॉट काउंट भी प्रिंट करने का ट्राई करोगे ना तब भी वो अपडेट हो चुका होगा क्योंकि इसकी कॉपी सिर्फ एक ही बनती है देखो पी टू डॉट काम भी अपडेट हो चुका है आप बोलोगे भैया मैंने तो पी वन बनाया था तो पी वन का ऑब्जेक्ट अलग है तो उसके अंदर अलग कॉपी बननी चाहिए चीज़ों की मैं बोलूँगा हाँ सही बात है बननी चाहिए लेकिन जो स्टैटिक चीज़ें होती है ना स्टैटिक का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक ही बार बनेगा ठीक है एक क्लास के अंदर एक ही बार बनेगा एक काम करते हैं स्टैटिक की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जरा उनको समझते हैं उसके बाद स्टैटिक समझ में आएगा अच्छे से कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी हम स्टैटिक वेरिएबल समझते हैं इसके बाद हम स्टैटिक मैथड को अलग से समझेंगे कि ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ़ द स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड अमंग ऑल द इंस्टेंसिस ऑफ द क्लास तो एक ही कॉपी बनती है और वही कॉपी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो जैसा आपने नॉर्मली देखा था कि अगर आप एक क्लास ये सपोज करो आपकी एक क्लास है इस क्लास से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया पी वन तो पी वन मेमरी के अंदर अलग जगह लेता है और इसके पास सपोज करो नॉर्मल वेरिएबल है एंड एज तो इस पी के पास अपनी एज की खुद की कॉपी होती है और पी अगर आपने बनाया इसका ऑब्जेक्ट तो उसके पास भी एज की कॉपी अपनी खुद की होगी राइट बिकॉज दिस इज इंट एज ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है लेकिन अगर आप एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो किसी क्लास के अंदर ठीक है सपोज करो ये पर्सन क्लास है हमारी और इस पर्सन क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया स्टैटिक इंट काउंट तो स्टैटिक इंट काउंट जो है ना वो सिर्फ एक ही बार बनेगा जब ये क्लास लोड होगी वो तभी बनेगा वो ऐसे बार बार नहीं बनेगा उसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनती है और वो तब बनती है जब क्लास लोड होती है आपकी और इसकी वैल्यू अगर कोई भी चेंज कर देता है कोई भी जैसे मान लो पी वन ने इसकी वैल्यू चेंज कर दी अकाउंट की वैल्यू अकाउंट की वैल्यू इसने कर दी ट्वेल्व उसके बाद अगर पी टू एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो क्योंकि इसने इसी जगह पर चेंज किया इसकी वैल्यू इसीलिए पी को भी वो वैल्यू ही दिखने वाली है बात समझ में आ रही है कि इसकी कॉपी सिर्फ एक है वहीं पे एज की कॉपी अलग अलग है कि अगर आप पी वन डॉट एज को चेंज करोगे तो पी टू डॉट एज चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉन स्टैटिक लेकिन स्टैटिक मेथड या फिर स्टेटिक वेरिएबल जो भी होते हैं वो क्लास के वेरिएबल होते हैं राइट वो क्लास पे डिपेंड करते हैं यहाँ पर देखो समझो ठीक से स्टेटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय कॉलिंग द क्लास नेम ऑफ द क्लास तो ये चाहो तो आप बिना ऑब्जेक्ट के सीधा क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो इनको क्योंकि इनके लिए क्लास बनाने की जरूरत नहीं है तो आप चाहो तो सीधा ये भी लिख सकते हो यहाँ पर जो कि ये रिकमेंड कर भी रहे कि आप ऐसे करके एक्सेस मत करो इसे आप चाहो तो इसको सीधा क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हो इन क्लास इज पर्सन तो आप चाहते हो कैपिटल पी वाले पर्सन के साथ डॉट काउंट भी कर सकते हो अभी भी ये वैलिड है अभी भी इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी पचास हो गए होगी ठीक है आप यहाँ पर भी पी वन डॉट काउंट की जगह लिख सकते हो पर्सन डॉट काउंट तो आपका पर्सन डॉट काउंट शुरुआत में था ट्वेल्व uh, जब ये क्लास लोड हुई थी उसके बाद फ्यूचर में आपने इसके काउंट को पचास कर दिया उसके बाद बाद में आपको पचास मिल रहा है तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसे एक्सेस करोगे तब भी पचास ही मिलेगा क्योंकि हमें समझ में आ रहा है इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी बिकॉज़ ये स्टैटिक है ठीक है तो स्टैटिक का ये फायदा होता है कि इसको एक्सेस करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर देखो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है काउंट को एक्सेस करना है तो काउंट को एक्सेस करने के लिए मुझे काउंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी इसका अगर आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मैथ के अंदर मैथ क्लास के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है राइट आपने देखा होगा मैथ क्लास के अंदर आपको अगर निकालना है मैथ डॉट मैक्स दो नंबर का मैक्सिमम नंबर निकालना है दो नंबर में से कौन सा बड़ा है तीन और छः में से बड़ा क्या है तो मुझे मैथ क्लास का मैक्स फंक्शन अगर यूज़ करना है तो मुझे इस मैक्स फंक्शन को यूज़ करने के टाइम पर मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने सीधा लिख दिया मैथ डॉट मैक्स राइट ये मैं क्यों कर पाया क्योंकि जो मैक्स है ना ये एक स्टैटिक मैथड है ठीक है आपको अगर चेक करना है तो आपको बस ये करना है कि कमांड करके इस पर क्लिक करो और सीधा आप मैक्स पे आ जाओगे और मैक्स पे आप देख सकते हो कि मैक्स एक स्टैटिक मेथड है और क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसको आप सीधा एक्सेस कर सकते हो क्लास के नेम के थ्रू और ये एक पब्लिक मेथड भी है इसीलिए बाहर भी एक्सेस हो पा रहा है ठीक है तो ये पब्लिक और स्टैटिक मैथड है अगर ये पब्लिक और स्टैटिक नहीं होता तो आपको पहले मैथ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और उसके बाद आप उसको एक्सेस कर पाते बट क्योंकि ये स्टैटिक है इसीलिए आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि ये काउंट जो है वो स्टैटिक है आई थिंक समझ में आ रहा होगा इसी के अलावा हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टैटिक की बिकॉज इट इज़ अ क्लास लेवल वेरिएबल मेमरी अलोकेशन ऑफ सच वेरिएबल ओनली हैपन्स वन द क्लास इज लोडेड इन द मैमरी तो आपके यूजअली क्या होता है जब आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो रन टाइम पर मेमरी अलोकेट होती है राइट right? कि जब आपने पी वन बनाया यहाँ पर जब कोड आपका रन हो रहा है लाइन बाय लाइन कोड रन हो रहा है तो उस टाइम पर रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट अलोकेट हो रहे हैं मेमोरी के अंदर ठीक है कि पहले पी वन का ऑब्जेक्ट रन हुआ ऑब्जेक्ट अलोकेट हुआ होगा उसके बाद जब आपने पी टू बनाया तो पी टू के लिए अलग मेमोरी अलोकेट हुई होगी तो इस तरीके से रन टाइम पर आपकी मेमोरी ओलोकेट हो रही है लेकिन जो स्टैटिक चीजें होती है उनकी मेमोरी तभी अलोकेट हो जाती है जब आप कंपाइल कर रहे होते हो ठीक है उसी टाइम पर आपकी मेमोरी के अंदर एक अलग से उनके लिए मेमोरी अलोकेट कर दी जाती है तो स्टैटिक चीजें जो भी है इस क्लास के अंदर जैसे यहां पर आपको डेटा स्टोर करना था राइट ट्वेल्व आपको स्टोर करना है तो जैसे ही ये मेमोरी में लोड हुआ होगा पर्सन क्लास भले ही वो मेथड रन हुआ हो मेन वाला रन ना हुआ, हुआ वो फर्क नहीं पड़ता स्टैटिक वाली चीज़ें पहले से ही मेमोरी में लोगेट हो जाती हैं ठीक है तो पहले स्टैटिक के अंदर ये वैल्यू अपडेट हुई होगी ट्वेल्व हुई होगी उसके बाद ये कोड यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा ठीक है तो सबसे पहले स्टैटिक चीज़ों को मेमरी दी जाती है उसके बाद से आपका कोड रन होना स्टार्ट होता है ये बात हमें समझनी है उसके बाद है इफ एन ऑब्जेक्ट मॉडिफाइज द वैल्यू ऑफ़ स्टैटिक वेरिएबल द चेंज इज रिफ्लेक्टेड अ्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट ये तो हमने देख लिया वैसे स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू यूज इन एनी टाइप ऑफ मैथड स्टैटिक और नॉन स्टैटिक तो स्टैटिक चीज़ें जो है उनको आप चाहो तो स्टैटिक मैथड में या फिर नॉन स्टैटिक मैथड में भी यूज कर सकते हो बिकॉज वो तो स्टैटिक है राइट right? उसको यूज करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट प्लाने की जरूरत नहीं है लेकिन वहीं पर जो नॉन स्टैटिक चीज़ें हैं उनको आप सिर्फ नॉन स्टैटिक के अंदर यूज कर सकते हो उनको आप स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं. मैं समझाता हूँ कैसे कि सपोज करो आपने एक मैथड बनाया और इस बार मैं बनाऊँगा इस मेन इन एक्स इनकेप्सुलेशन के अंदर और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं पूरा पूरा ठीक है अपोज करो ऑल दिस इज कमेंटेड नाउ और आ, मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक प्रिंट हैलो इस तरीके से तो क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट हैलो और इसको मेरे को रन करना है तो मैं अब यहाँ पे बस प्रिंट हैलो कर देता हूँ से हेलो तो ये अगर मुझे मैथड कॉल करना है कहीं से भी तो मुझे इस मेन इन एक्स इनकेप्सुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ऑल आई कैन डू इज दिस मैं सीधा हूँ यहाँ पर लिखूंगा मेन इन इनकेप्सुलेशन मेन इन इनकेप्सुलेशन डॉट प्रिंट हैलो इस तरीके से राइट right? मैं ऐसा कर पा रहा हूँ और मुझे इसके लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि मैं इसी क्लास के अंदर हूँ तो मैं चाहूँ तो इस लाइन को भी इस वर्ड को भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अगर आप चाहो तो इसको बाहर किसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल कोई और मेन क्लास है सपोज करो ये वाली मेन क्लास है और इसके अंदर मुझे आ, वो वाला फंक्शन कॉल कराना है प्रिंट हैलो वाला तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी स्टैटिक है ये वही बात होगी जैसे मैं मैथ डॉट मैक्स कॉल कर रहा था तो ये भी क्योंकि स्टैटिक है तो इसको अगर मुझे कहीं और मेन क्लास में यूज़ करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज दिस मैं यहाँ पर लिखूंगा मेन इन इनकेप्सुलेशन डॉट प्रिंट हैलो तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इसका प्रिंट हेलो यूज़ कर पा रहा हूँ मुझे बस इसको इम्पोर्ट कराना पड़ा इस तरीके से ठीक है ये इम्पोर्ट वाली लाइन अपने आप लग जाती है यार क्योंकि इंटेलिजेंट तो स्मार्ट है ही तो ये वाली लाइन इसने अपने आप लगा दी इम्पोर्ट वाली लाइन बिना इम्पोर्ट के तो काम नहीं करेगा ये बट हाँ ये चीज़ हमारी काम कर रही है बिकॉज ये मेथड जो है वो एक स्टैटिक मेथड है लेकिन आप समझो अगर मैं पे एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड प्रिंट हाई ठीक है तो ये मैंने स्टैटिक नहीं बनाया इसको मैंने वर्ड बनाया नॉर्मली और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ से हाय तो ये वाला मेथड क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है तो इसको कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ठीक है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप इसको कॉल नहीं कर सकते हो और क्योंकि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ डिपेंड करता है ये क्लास का चीज़ ये क्लास का नहीं है ठीक है ये डिपेंड करेगा अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर दिस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास इसको यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल सपोज़ करो मैं यहाँ पे इसे यूज करना चाहता हूँ uh, तो मैं सीधा अगर लिखूँगा प्रिंट आए तो प्रिंट आए इज़ नॉट अलाउड जबकि देखो मेरी ही क्लास के अंदर ये मेथड है लेकिन मैं तब भी इसको यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इसको यूज़ करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट uh, बनाना पड़ेगा इसीलिए आप ये कह सकते हो कि स्टैटिक के अंदर से आप नॉन स्टैटिक चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हो समझ में आई बात स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक को इसलिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज नॉन स्टैटिक को यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है वहीं पर स्टैटिक को यूज़ करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है इसी वजह से स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते हैं वहीं पर अगर आप चाहो तो नॉन uh, स्टैटिक के अंदर जैसे ये नॉन स्टैटिक है इसके अंदर से आप चाहो तो स्टैटिक मैथड कॉल कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिंट हैलू करना है यहाँ से तो प्रिंट हैलू कर लो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ये अलाउड है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बना ही लिया है ठीक है ऑब्जेक्ट बनाई लिया तो प्रिंट हैलो भी करी दोगे आप क्या जा रहा है क्योंकि इसको यूज करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन प्रिंट हैलो के अंदर से अगर आप प्रिंट uh, हाई करना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं है ठीक है ये देखो प्रिंट हाई मुझे लिखने नहीं दे रहा है क्यों अलाउड नहीं है बिकॉज इसको बना इसको कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा कहते हैं कि स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक चीज़ें अलाउड नहीं होती लेकिन नॉन uh, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक चीज़ें अलाउड है इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा मुझे कि मुझे जब भी कोई फंक्शन मेन से कॉल करना है जो कि ज़्यादातर मुझे कॉल करनी होते हैं तो मैं उन सभी मैथड्स को स्टैटिक बनाता हूँ इसीलिए हम ज्यादातर मैथड्स को स्टैटिक बना रहे होते हैं क्योंकि उनको हमें मेन मैथड से कॉल करना होता है ठीक है अगर क्योंकि मेन मैथड मेरा स्टैटिक मैथड है तो स्टैटिक के अंदर से सिर्फ मैं स्टैटिक चीज़ें ही कॉल कर सकता हूँ इसीलिए मैं बाकी सारी चीज़ों को भी स्टैटिक बना रहा होता हूँ यूजली ठीक है तो ये आपका स्टैटिक के बारे में चीज़ें हो गई नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज इन साइड स्टैटिक मैथड इट विल थ्रो अ कंपाइल टाइम एरर वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि नॉन स्टैटिक चीज़ों को अगर आप एक्सेस करने का ट्राई करोगे स्टैटिक के अंदर से तो दैट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज नॉन स्टैटिक चीज़ों को बनाने के लिए तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ठीक है uh, इसी के साथ स्टैटिक मैथड भी पढ़ लेते हैं स्टैटिक मैथड भी स्टैटिक वेरिएबल की तरह ही होते हैं बिहेव वैसे ही करते हैं द स्टैटिक मैथड एंड द स्टैटिक मेम्बर्स एंड मैथड्स बिलोंग टू द क्लास रादर दैन इंस्टेंस ऑफ द क्लास

तो मैं इस फंक्शन को स्टैटिक बना सकता हूँ अगर आपको लग रहा है कि कोई मेथड ऐसा है जिसका यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में आप चाहो तो उसको स्टैटिक uh, बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक स्कूल क्लास है उस स्कूल क्लास के अंदर जैसा मैंने बताया कि uh, या फिर एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको ठीक है इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं जो मैंने यहाँ पर मैं लिख रहा था लेकिन फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया विच इज़ दिस पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट सपोज करो इसकी वैल्यू जीरो है और मैं चाहता हूँ कि पर्सन क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना उनको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि कितने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं अब पर्सन क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वो तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होगी राइट वो तो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टी है कि मेरी क्लास ने कितने ऑब्जेक्ट बना दिए अब ये सपोज करो कि आपके पास एक ब्लू है उस ब्लू से आपने पचास घर बना दिए अब आपको अगर पता करना है कि कितने घर बने तो आप हर एक घर में जाकर तो पूछोगे नहीं कि भाई कितने घर बने आप तो उस ब्लू के मालिक के पास जाओगे उससे पूछोगे भाई तुम्हारे ब्लू से कितने घर बने हैं राइट उन घरों को थोड़ा लेने देना कि कितने घर बन रहे हैं उस ब्लू से वो तो रह रहे हैं उस घर के अंदर राइट right? तो अब आप जाओगे सीधा ब्लू के पास उससे पूछोगे कि भाई कितने घर बने तुम्हारे से तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वो ब्लू का वेरिएबल बेसिकली स्टेटिक वेरिएबल राइट तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक काउंट बना लिया और आपको पता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर तो इन्वोक होता ही होता है right? राइट तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो इन्वोक होगा यहाँ पे पब्लिक पर्सन ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मैं इसके अंदर क्या करूँगा काउंट प्लस प्लस कर दूंगा कि जब भी मेरा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व हो रहा है मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा तो बेसिकली मैं स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया जा रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू तब तक अपडेट होती रहेगी जब जब मेरा काउंट पर्सन uh, का ऑब्जेक्ट बनेगा तो अब पर आ, यहाँ पर देखो यहाँ पर अच्छे से समझते हैं इसको तो मैं यहाँ पर प्रिंट हैलो वगैरह उड़ा देता हूँ ये भी हटा दिया मैंने और ज़रा इस चीज़ को देखते हैं तो देखो ये मेरा पर्सन पी वन है जब पी वन पर्सन बनेगा तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है राइट और ये कंस्ट्रक्टर काउंट प्लस प्लस कर देगा और को काउंट प्लस 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 कर भी पाएगा बिकॉज ये तो स्टैटिक वेरिएबल है तो ये यहाँ पर कर पाएगा इस चीज़ को ठीक है उसके बाद जब पी टू बनेगा तो यहाँ पर दोबारा से वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और दोबारा से पी टू की वैल्यू अपडेट हो जाएगी मैं काउंट को यहाँ पर ऐसे चेंज नहीं करूँगा और यहाँ पर जरा पर्सन डॉट काउंट प्रिंट करके देखेंगे ठीक है तो मैंने पी वन बनाया फिर मैंने पी टू बनाया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर दो जानी चाहिए वैल्यू जरा आराम करके देखते हैं क्योंकि मेरे दो ऑब्जेक्ट बने और आप यहाँ पर देख रहे हो हाँ दो प्रिंट हो रहा है इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर क्योंकि दो ऑब्जेक्ट बने इसलिए मेरे यहाँ पर दो प्रिंट हो रहा है तो बेसिकली दो बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुई और दोनों बार उसने जीरो से पहले वैल्यू को वन किया फिर वन से उसने टू किया अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर लेट्स से पर्सन पी थ्री बनाता हूँ मैं तो क्योंकि तीन बार मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये वाला इसलिए यहाँ पर तीन बार इस काउंट की वैल्यू को अपडेट किया गया और Uh, यहाँ पे इस पर पर्सन डॉट काउंट जो है वो व्री हो जाएगा ठीक है तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा स्टैटिक वेरिएबल का फ़ायदा क्या है क्यों बनाना पड़ता है कि स्टैटिक चीज़ें जो भी होती हैं वो आपकी सीधा क्लास पे डिपेंड करती हैं उनको ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है वो क्लास की प्रॉपर्टी है वो जब क्लास बनती है तभी लोड हो जाती है उनको ऑब्जेक्ट का वेट नहीं करना पड़ता कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी हम लोड होंगे नहीं वो क्लास के साथ ही लोड हो जाती हैं तो स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं वो क्लास के साथ लोड हो जाती हैं इसी के अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक ब्लॉक मैंने स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन स्टैटिक ब्लॉक हम ऐसे समझ लेते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन होता है मेन मेथड रन होने से पहले भी स्टैटिक ब्लॉक रन होता है क्योंकि स्टैटिक का काम यही है कि चीज़ें जब मेमोरी में लोड हो रही है शुरुआत में ही तभी चीज़ों को इनिशलाइज कर देना ठीक है तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप चाहो तो वो चीज़ें कर सकते हो जो आप चाहते हो शुरुआत में रन हो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेन इनकेप्सुलेशन है राइट right? आपको पता है कि सबसे पहले तो काम मेन मेथड से स्टार्ट होता है तो आपको लग रहा होगा सबसे पहले ये रन होगा मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कि फ्रॉम द मेन मैथड तो फ्रॉम द मेन मैथड सबसे पहले रन होना चाहिए राइट और अभी रन होगा भी हमें दिख रहा है फ्रॉम द मेन मैथड सबसे पहले रन हुआ लेकिन वट इफ आई टेल यू कि इससे भी पहले हम कुछ और चीज़ रन करा सकते हैं और वो होगा हमारा स्टैटिक ब्लॉक तो स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता बस लिखते हो स्टैटिक उसके बाद एक ऐसे ब्लॉक बना देते हो और स्टैटिक ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि वो काम कर लो जो आप चाहते हो कि जब ये क्लास लोड हो रही है ना तभी हो जाए क्लास लोड होती है उसके बाद फंक्शन लोड होता है उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है ठीक है तो क्लास लोड होने के टाइम पे ही जो काम आपको करना है वो आ, काम आप इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर सकते हो तो इसके लिए इस, इसके अंदर बेसिकली आप अपनी क्लास को इनिशलाइज वगैरह कर सकते हो तो इसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी काम कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ कि कॉल्ड फ्रॉम द स्टैटिक ब्लॉक तो ये जो ब्लॉक है ये देखो स्टैटिक ब्लॉक पहले कॉल हो गया वो स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक ऐसे ही कॉल होते हैं सबसे पहले आपकी ये क्लास uh, जो है वो मेमोरी में लोड हो रही है और जैसे जैसे स्टैटिक ब्लॉक मिलते आ रहे हैं वैसे वैसे वो प्रिंट होते आ रहे हैं मतलब एग्जीक्यूट होते आ रहे हैं लाइन बाय लाइन तो पहले ये वाला स्टैटिक ब्लॉक मिल गया सपोज करो फिर उसके बाद ये वाला स्टैटिक ब्लॉक मिल गया नीचे कहीं ठीक है ये एक और स्टैटिक ब्लॉक बना दिया मैंने फ्रॉम द सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक तो एक एक करके सारे सारे स्टैटिक ब्लॉक रन होंगे सबसे पहले तो कॉल फ्रॉम द स्टैटिक ब्लॉक उसके बाद कॉल फ्रॉम द सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक सारे सारे स्टैटिक ब्लॉक खत्म हो गए उसके बाद मेन मैथड ने अपना काम स्टार्ट किया तो फ्राम द मेन मेथड कॉल हुआ उसके बाद ये फिर थ्री प्रिंट हो गया बिकॉज तीन बार आपने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये एक स्टैटिक ब्लॉक का कॉन्प्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पर आप लोग इसे यूज़ कर रहे होते हैं तो ये स्टैटिक ब्लॉक भी आप समझ गए होंगे डी एस ए के टाइम पर आप इसको यूज़ नहीं करते हो ठीक है डी एस ए के अंदर आप सिंपल आपको एक फंक्शन मिला होता है क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होता है आपको मेन मैथड की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने देखा होगा हमारे जितने भी कंपाइलर्स हैं आपको मिल रहे हैं कोडिंग शेड्यूल के अंदर उनके अंदर आपको मेन मेथड भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है राइट right? uh, सीधा एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि बिहाइंड द सीन आपके लिए वो मेन मेथड से हम कॉल कर दे रहे हैं आपको बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आपको मेन वगैरह की स्टैटिक वगैरह की इन सब की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको सिंपल अपना नॉर्मल uh, uh, जो डी एस ए के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना उस पर ध्यान देना होता है लेकिन जावा समझ रहे हैं अगर हम ठीक से तो जावा को मचे समझेंगे तो उसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक का भी एक योगदान होता है जो आई थिंक समझ में आ गया होगा ठीक है कि अगर आपको क्लास के रिलेटेड चीजें बनानी है तो आप उन चीज़ों को स्टैटिक बनाओगे तो यही था पूरा का पूरा स्टैटिक के अंदर उसके अलावा ये लिखा हुआ है दी दे आर एक्सेस बाय द नेम ऑफ द क्लास तो आप चाहो तो सीधा क्लास नेम से उनको एक्सेस कर सकते हो जैसे हमने देखा था मैथ डॉट मैक्स ठीक है तो उसके लिए मैथ का कोई ऑब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें द सच सचेस्ट दिस एंड सुपर आर नॉट यूज इन द बॉडी ऑफ द स्टैटिक मैथड ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दिस या सुपर आप स्टैटिक में से यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस का मतलब तो ये होता है ना कि करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हो स्टैटिक के अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा तो दिस कैसे यूज कर लोगे आप तो अगर आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर दिस यूज करने का ट्राई करोगे तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा सिमिलरली सुपर का मतलब ये होता है कि आप पेरेंट का इंस्टेंस यूज कॉल करने का ट्राई कर रहे हो तो जब तक आप करंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट तो कहाँ से बन गया राइट right? <laughs> तो अगेन सुपर भी यूज नहीं कर सकते तो दिस एंड सुपर तो सीधा ऑब्जेक्ट पर काम करते इसीलिए उनको आप यूज़ नहीं कर सकते स्टैटिक के अंदर अगला है द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैटिक फील्ड वैल्यू इज़ नॉट अलाउड तो बेसिकली इसका मतलब ये अब आप बोले भाई ये तो अलाउड है मतलब ये तो हम कर सकते हैं कि स्टैटिक फील्ड को हम बाद में चेंज कर सकते हैं लेकिन ऑल्दो इट इज़ अलाउड बट इट इज डिस्करेज कि आप स्टैटिक फील्ड वैल्यूज़ को फ्यूचर में कहीं और चेंज कर रहे हो राइट right? क्योंकि आपको पता है अगर आपने एक जगह चेंज कर दिया स्टैटिक वैल्यू को तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा राइट right? आप ऐसा नहीं चाहते अपने कोड के अंदर कि आप स्टैटिक uh, आपने कहीं चेंज कर दिया और किसी और जगह को पता ही नहीं है क्योंकि स्टैटिक का मतलब ये था कि वो क्लास डिपेंडेंट है राइट right? कि वो क्लास की वैल्यू है तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसे अगर चेंज कर दे रहा है तो फ्यूचर में उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने एक क्लास बनाई स्कूल उसके अंदर मुझे पता है स्कूल का जो नेम है वो एक ही बार सेट होगा उसके बाद वो नेम कभी चेंज नहीं होगा अब अगर स्कूल के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और वो हर एक ऑब्जेक्ट उसका नाम चेंज करे जा रहे हैं तो कोई भी चेंज कर सकता नाम को राइट right? और अगर एक ने चेंज कर दिया नाम और दूसरे ने चेंज कर दिया नाम तो जो पहले ने नाम चेंज किया था वो ओवर हो जाएगा वहाँ पर तो इसीलिए ये कहते हैं कि एक स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना भी तो अगर आप ऐसी चीज़ इन्फोर्स ही करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है स्टैटिक चीज़ आपने बना ली वो तो फ्यूचर में चेंज हो सकती है राइट हमने बनाई भी दी पर्सन के अंदर मैंने स्टैटिक इनकाउंट बनाया था ये काउंट मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ ईजीली और मैं यहाँ पर चेंज कर भी पाता पर्सन डॉट काउंट को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर मैं पर्सन डॉट काउंट एक वर्ष टू कुछ भी जैसे मैंने ट्वेल्व कर दिया बट दिस इज़ डिस्करेज बिकॉज पर्सन क्लास कहीं और भी अगर यूज़ हो रही होगी इस कोड के अलावा तो वहाँ भी वो चेंज हो चुका हो अकाउंट ठीक है इसीलिए डिस्करेज है आ, अगर आप लेकिन ये चीज़ इन्फोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको फाइनल बना दो क्योंकि फाइनल हमने देखा था फाइनल बनने के बाद कोई चीज़ अपडेट नहीं हो सकती ठीक है तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल कर दो किसी चीज़ को तो उसका मतलब ये वैल्यू पत्थर की लकीर बन चुकी है उसके बाद कभी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ भी चेंज नहीं होगी राइट तो काउंट को तो हम फाइनल नहीं बनाते लेकिन सपोज़ करो मैं एक और चीज़ बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल एंड साइंटिफिक नेम ठीक है मुझे पता साइंटिफिक नेम जो पर्सन का है वो हमेशा चेंज रहेगा वोमोसेपियंस तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता राइट right? कि इस पर्सन के लिए पर्सन क्लास के लिए ये जो वैल्यू है ये पत्थर की लगी है ये कभी चेंज नहीं हो सकती तो मैं उसको बना दूंगा स्टैटिक भी और फाइनल भी बिकॉज ये क्लास की प्रॉपर्टी है इसलिए स्टैटिक है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती इसलिए फाइनल भी है ये भी क्लास की प्रॉपर्टी है लेकिन ये चेंज हो सकती है यहाँ पर आप देख रहे हो बार बार आप आप काउंट प्लस प्लस कर रहे हो तो ये चेंज हो सकती है इसलिए मैंने इसको फाइनल नहीं बनाया लेकिन मैंने इसको फाइनल बना दिया है और ऐसा ही मैथ क्लास के अंदर भी होता है आपने देखा होगा मैथ के अंदर अगर आप एक्सेस करने का ट्राई करते हो एस आउट पाई को ठीक है तो मैथ डॉट पाई आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से तो ये जो पाई वैल्यू है ना ये मैथ के अंदर डिफाइंड ऑलरेडी और ये पब्लिक स्टैटिक वैल्यू है ठीक है पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल ये देखो ये स्टैटिक और फाइनल है स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट माने की जरूरत नहीं है और फाइनल इसलिए कि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी ये यूनिवर्सल वैल्यू है सिमिलरली जो ई होता है उसकी वैल्यू भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल है डिग्री टू रेडियन जो आपका कॉन्स्टेंट भी फाइनल है और रेडियन टू डिग्री कॉन्स्टेंट भी आपका फाइनल है तो ये कुछ पब्लिक स्टैटिक फाइनल वैल्यूज़ है मैथ के अंदर ये बेसिकली बता रही है कि ये वैल्यूज़ तो पत्थर की लकीर है यूनिवर्सल है इनको कोई चेंज नहीं कर सकता हम इनको चेंज करना अलाउ भी नहीं करेंगे किसी को ठीक है तो अगर आप कभी चेंज करने का ट्राई करते भी हो फ्यूचर में सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है पर्सन के अंदर मैंने साइंटिफिक नेम बना लिया इस तरीके से ठीक है और मेरा मन कर रहा है कि भाई इस पर्सन के अंदर का साइंटिफिक नेम चेंज करने का मन कर रहा है तो पर्सन डॉट साइंटिफिक नेम मैं यहाँ पर चेंज करने का ट्राई करता हूँ लेट्स से कुछ भी एम uh, फी तो नॉट अलाउड भाई क्योंकि ये फाइनल है ठीक है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते कभी भी कोई भी यूज कर सकता है पर्सन डॉट साइंटिफिक नेम को अगर इसको कभी किसको प्रिंट कराना हुआ तो वो प्रिंट करा सकता है इसको तो गेट कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते सेट नहीं कर सकते कभी भी बिकॉज़ इट्स फाइनल तो धीरे धीरे करके चेंज सेंस बना रही होंगी ठीक है पब्लिक समझ में आ रहा होगा स्टैटिक समझ में आ रहा होगा फाइनल समझ में आ रहा होगा इसके अलावा और क्या देखा था दिस और सुपर तो पहले समझ में आ गए थे ठीक है तो अब कुछ कुछ कीवर्ड हमें सेंस बना रहे हैं और आज हमने देखा इनकेप्सुलेशन को इसके अलावा हमने देखा पैकेजेस को इम्पोर्ट स्टेटमेंट देखे तो काफ़ी सारे नए नए कीवर्ड्स हो गए हैं इन शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ़ टाइम तो अपना माइंड एकदम कन्फ्यूज मत कर लेना एकदम लॉजिकली चलना क्योंकि हर एक कीवर्ड का अपना अपना कुछ कुछ मतलब है लॉजिकली समझोगे तो ऊप् बहुत ही आसान टॉपिक है ठीक है तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां पर हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इंटरफेसिस के बारे में पढ़ेंगे वो होगा नेक्स्ट क्लास में चलते हैं बाय